बाबू तुम्हारी चिट्ठियां रख दो। इसमें से तो खुशबू की लपटें आ रही। खुशबू की लपटें? हाँ, दो चार दिन तो इसकी खुशबू मेरे नाक से नहीं जाने की, मजा आ गया। ये भीनी भीनी खुशबू कहाँ से आ रही? इस चिट्ठी में से मालकिन। किसी लड़की की चिट्ठी है क्या? तुमने कैसे जान लिया मालकिन? अरे मैं तो ये भी बता सकती हूँ कि इस चिट्ठी में लिखा क्या है। नहीं माँ, तुम ये नहीं बता सकती। लगाओ शक। लगाओ। कितने रुपए? 1000 रुपए। ना ना मालकिन, इतना बड़ा जुआ खेलना ठीक नहीं। अरे जुआ का है का? मैं जीतू या हारू, मेरे पास जो कुछ है सब इसी का है। अब बताओ इसमें क्या लिखा है? बताओ। ये लड़की तुमसे प्यार करती है, तुमसे शादी करना चाहती है ना? बिल्कुल ठीक। मेरा माता तो चिट्ठी सुनते ही ठनक गया था। जाओ माँ, रुपया ले आओ। ये चिट्ठी किसी लड़की की नहीं, मेरे एक दोस्त की है। ये देखो उसके दस्तखत। प्रेम प्रकाश। लेकिन प्रेम का जिक्र तो है ना? हाँ, वैसे तो इसमें शादी का जिक्र भी है। मेरे एक दोस्त ने अपनी बहन के बारे में पूछा। तुमने देखा है उस लड़की को? नहीं, उन्होंने बुलाया तुम्हें और मुझे उस लड़की को देखने के लिए। अच्छा, पहले ये तो फैसला कर लो कि जीता कौन और हारा कौन। अरे ये जीते तो भी मैं जीती, ये हारे तो भी मैं जीती। ठीक है, बहू देखने कब जाना होगा? मैं भी चलूंगा साथ। इस शुभ काम के लिए तो मैं आज ही चलने को तैयार हूँ। तेरी क्या राय है बेटा? मुझे तो आज ही गिरजापुर जाना होगा माँ। क्यों, वहाँ क्या है? मेरा एक और दोस्त रहता है। उसने भी अपनी बहन के बारे में लिखा है क्या? नहीं, ये चिट्ठी उसके पिताजी की है। लड़का अपनी मर्जी से एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो घर की है, बदनाम है, बाप के मना करने पर भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। लानत, लानत है इस औलाद। बाप को चाहिए गोले मार दे ऐसे बेटे। तुम वहां जाकर क्या करोगे श्याम बाबू? अपने दोस्त को समझाऊंगा, शायद मेरी मान जाए। इसलिए उसके पिताजी ने मुझे फौरन बुलाया। ऐसी बातों में माँ बाप के समझाने से दोस्तों का समझाना ज्यादा बदल लगता है। तो जरूर जाओ बेटा, शायद तुम्हारे जाने से उन लोगों की इज्जत बर्बाद होने से बच। माँ, उन्होंने कुछ रुपया भी साथ लाने के लिए कहा है। क्यों? मुमकिन है लड़की वालों को कुछ रुपया देकर दफा करना पड़े, और इस वक्त उन बेचारों के पास कोई बंदोबस्त नहीं। कितना रुपया चाहिए? उनकी साख तो होगी 40-50 हजार की। हो सकता है लड़की वाले इसी हिसाब से उनकी इज्जत का मोल करें। तुम 20 हजार निकाल दो, जो बचेगा वापस ले आऊंगा। ठीक है, पैसा तो हाथ का मैल है बेटा, इंसान फिर कमा सकता है, लेकिन एक बार इज्जत चली जाए तो राम राम। भगवान सबकी इज्जत रखे। रामू तू जा, तो जल्दी खाना तैयार कर ले। अभी लो मालकिन। ये मैं ले लूं श्याम बाबू? ले लो। अरे तू इसे क्या करेगा? चूल्हे के पास बैठे मुझे इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है मालकन, कि बदबू से मेरी नाक जल जाती है। इसे सुनकर तबीयत हरी कर लिया करूंगा। श्री बनारसी प्रसाद जी की जय। 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 मेरे मित्रों, मेरा आज का उपदेश सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने आप से भी ज्यादा अपने काम से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आपको किसी हुनर में भी कल्याण नहीं मिलेगा।
देवी दूध की क्या जरूरत थी? निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। माला, हमारी दुनिया में इन ठंडी सांसों का काम नहीं, अपने दिल को संभालो, इसे पत्थर बना लो। मैं क्या करूं, ये बात मेरे बस में नहीं। माला, स्टेशन। आपको खबर नहीं गुरुजी, लेकिन मैं जानता हूं माला आपसे मोहब्बत करती है। छोटी मोटी कामनी सभी हैं बिस्की बेल, दुश्मन मारे दाव से ये मारे हंस खेल। अर्थात मित्रों, औरत की मोहब्बत श्रीमान बनारसी प्रसाद जी के पांव की बेड़ी हो सकती है एक दिन, इसलिए जज्बात में आकर हम कमजोर और बुजदिल नहीं होना चाहते, और हमारा यही शिक्षा दान हमारे जेलों के लिए। समझ गए? समझ गए। और हमारे शास्त्र में भी यही लिखा है कि हम लोगों को औरत मोहब्बत और शादी से दूर तक का वास्ता नहीं होना चाहिए। अब इसी को देखिए, मुझे इस लड़की से न सिर्फ मोहब्बत है बल्कि इश्क, मगर अपने असूल पर कायम रहते हुए मैंने इसे भी ठुकरा दिया है, शादी से इनकार कर दिया है। ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, कौन है गुरु जी? कोई नहीं, जिसे मेरा बड़ा भाई भैरव न जाने कहां से उठा लाया था। अब जवान हो गई है। वही भैरव प्रसाद जो गिरजापुर में रहते हैं। हाँ, खैर, कोयली हो या हो बुलबुली या हो माला, कोई नहीं लगा सकती बनारसी के दिल को ताला। सोना किया हराम तो किस्मत जगाई है, जब खाक हो चुके हैं तो अक्सीर भाई। आपको ये लड़की पसंद नहीं गुरु जी, तो मैं नहीं, तुम हमारे असूल पर कायम रहो। मित्रों, अपनी अपनी रवश पे तुम सब नेक रहो, मौदों की तरह लड़ो मगर नेक रहो। इत्तेफाक में ताकत और कामयाबी, जब भगवान ने सारी दुनिया ही आपके लिए बनाई तो फिर आपस में कैंची और उस्तरा चलाने की क्या जरूरत। आपकी शिक्षा हम कभी नहीं भूले गुरुदेव। शाबाश शंकर, खड़े हो जाओ, योगी की घड़ी वापस करो। घड़ी? घड़ी जो तुमने उस विजय से चुराई थी वो वापस करो, वो तलाश करो, मिल जाए। शाबाश। हाँ मिल गई ना, ये घड़ी वापस। शाबाश, कोई बात नहीं, कर दो। धनो गुरुदेव धनो। कोई बात नहीं योगी, तुम घड़ी रखो और दुलारे का बटुआ वापस करो। बटुआ तो मेरे पास नहीं है गुरुदेव। तुम्हारे पास ही है भाई, इस जेब में तलाश करो ना। हाँ, इस जेब में है ना। और गुरुदेव जवाब नहीं। कोई बात नहीं दुलारे, कोई बात नहीं, तुम बटुआ रखो और मेरा सुटकेस सोने वाला वापस कर दो। हाँ, सोने का सुटकेस भाई, देखो ना जेब में। नजारे कहाँ से आ गया मेरी जेब में? ये तो तुम भी जानते हो कहाँ से आ गया, मैं भी जानता हूँ। गुरुदेव, ये सिगरेट केस तो मेरा है, पिछले वर्ष आपने तो मेरी जेब से निकाला था। यह तुमने खूब याद कराया, मैं भूल ही गया था। मगर भाई, अपनी सोसाइटी के रूल के मुताबिक एक साल की मियाद के बाद मलकियत बदल जाती है, ठीक है ना भाई? मगर फिर भी हम इंसाफ चाहते हैं, तुम अपना माल तुम ही रखो। गुरुदेव गाड़ी कुछ लेट मालूम होती है जी। जी हाँ, पूरे एक घंटा। मेरे साहब ने भी पूछा है मास्टर से। आपके भी साहब है जी? आप तो कुछ साहब लगते हैं जी। मूंगफली खाइए जी। शुक्रिया,
आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? जी मैं नहीं जा रहा, मेरे साहब जा रहे हैं, मैं उन्हें गाड़ी पर सवार कराना है। क्यों? आपके साहब क्या बच्चा है? जी नहीं, बड़े घरानों के लड़के अक्सर लापरवाह होते हैं, और फिर हमारे साहब तो मालकिन के अकलौते बेटे हैं, मुझे हर तरह से उनकी खबर के लिए रखनी पड़ती है। फिर 20,000 की रकम साथ है बैग में। 20,000? हाँ, जब तक उनको गाड़ी में बिठाना लूं मुझे तसल्ली ना होगी। क्यों नहीं, रहते कहाँ हैं आप? जी बड़े बाजार में मोती भवन है ना, ज्योति भवन के साथ, वहाँ। कहाँ तक जा रहे हैं आपके साथ? गिरजापुर। मैं भी वही जा रही हूँ, बस क्लास में सफर करेंगे ना आपके साथ। और क्या, थर्ड क्लास में? आपने देखा नहीं मेरे साहब को, वो तो अंग्रेज लगते हैं अंग्रेज। मैंने देखा है आपके साहब को, आपके साथ वेटिंग रूम में जाती हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में पूछने के लिए आपके पास आ बैठी। जी बैठिए ना, अभी तो आपने मेरे साहब के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। बहुत कुछ जान लिया है मैंने, बाकी मैं गाड़ी में पूछ लूंगी। राह सीधी तो बता दी खिजर ने ऊंट का, लेकिन किराया कौन दे? ये लो किराया भी लो, जाओ। आप भी चलिए ना। मैं इस 20,000 के लिए बनारसी पेशवा दिन छोटी मोटी आसामी के साथ खेलना पसंद नहीं करता, ये तुम चेले चांटों का काम है, जाओ। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। देर मत करो। जवान होते ही वो तो और ही कुछ हो गए है दिल, कहां की पाकबाजी, हम भी अब नियत बदलते हैं। जैसा माहौल होता है वैसे ढल जाती है मेरी तबीयत। क्या मतलब? मैंने हिंदुस्तानी में बात की, आप नहीं समझते ये जुबान? समझते हैं, लेकिन शायरी नहीं समझते। और आप बात करते हैं शायरी में? आप समझती हैं शायरी? जी हाँ। तो फिर इन्हें समझा दीजिए। अच्छी बात, इनका मतलब ये है कि जिंदा दिलों की महफिल में जिंदा दिल और मुर्दा दिलों की मजलिस में खामोश हो जाए। इसके अलावा शरीफों में शरीफ और गुंडों में गुंडा भी बन जाता हूँ। एक ही शख्स में इतनी शख्सियतें भी हो सकती हैं। कह रहे हैं तो जरूर होंगी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ इस वक्त आप में कौन सी शख्सियत है? खामोशी पसंद। इसका मतलब हुआ आप इस वक्त मुर्दा दिलों की मजलिस में बैठे हुए हैं। देखा माला, शायर साहब अपनी नाजुक शायरी से हम तीनों पे मुर्दा दिली का इल्जाम लगा रहे हैं। उठो माला, अपने नगमों से इस मुर्दा दिलों की मजलिस को जिंदा दिलों की महफिल में बदलो। देखे तो सही अपने शायर साहब की तबीयत जिंदा दिली में कैसे ढलती है। में जो पहले थी वो तासीर नहीं, हम मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब वो शीरी नहीं लैला नहीं वो हीर नहीं, अब वो शीरी नहीं अब वो लैला नहीं, अब वो शीरी नहीं लैला नहीं वो हीर नहीं,
अब मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब वो शीरी नहीं, लैला नहीं, वो हीर नहीं। साथ मरने की तड़प अब कहाँ हसीनों में, यार झूठी है चमक हुस्न के नगीनों में। प्यार दौलत से ये करते हैं इन्हें प्यार नहीं, अब हमें इनकी वफाओं का एतबार नहीं। अब बशीरी नहीं, अब लैला नहीं, अब बशीरी नहीं, लैला नहीं, वो हीर नहीं। अब मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब बशीरी नहीं, लैला नहीं, वो हीर नहीं। ना इन्हें पासे मोहब्बत, ना इन्हें पासे वफा, इनका पेशा है सितम, इनका शेवा है जफा। प्यार कहती है ये दुनिया जिसे वो प्यार नहीं, किसको दिल देके यहाँ कोई भी दिलदार नहीं। अब वो शीरी नहीं, अब वो लैला नहीं, अब वो शीरी नहीं, लैला नहीं, वो हीर नहीं। अब मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब वो शीरी नहीं, लैला नहीं, वो हीर नहीं। ये हंसी धोके सनम बन के दिया करते हैं, इश्क की खाके कसम लूट लिया करते हैं। फिर भी कहते हैं ये हमसे के वफादार नहीं, फिर भी रोते हैं कोई इनका भी दिलदार नहीं। अब शीरी नहीं, अब लैला नहीं, अब शीरी नहीं, लैला नहीं, वो हीर नहीं। अब मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब चीरी नहीं, लैला नहीं, वो हीर नहीं। आप बहुत दिलचस्प इंसान मालूम होते हैं। आप जैसा खामोशी पसंद आदमी इतना जिंदा दिल भी हो सकता है? आपकी तबीयत के दो रूप को देख लिए हमने। ये सफर बहुत मुख्तसर है, मौका नहीं मिलेगा, वरना बाकी के रूप भी दिखा देते। अभी तो रात पड़ी है साहिब, गाड़ी तो कल सुबह पहुंचेगी गिरजा। मैं तैयार, आप शुरू कीजिए गुंडागर्दी। अजी हम तो शरीफ लोग हैं, गुंडे नहीं बन सकते। कोशिश तो कीजिए। जी नहीं। अच्छी बात, तो शरीफों की तरह आराम। आप अपना बिस्तर विस्तर साथ में नहीं लाए? जी नहीं। क्यों? इसलिए कि नरम नरम बिस्तर पर आराम से सो ना जाऊं। तो क्या आप रात भर जागते रहेंगे? जी हाँ, इस बैग की हिफाजत के लिए। जी आप मजे से सोइए साहिब, हम तीनों जागते रहेंगे, इस बैग को कोई नहीं छेड़ेगा। जी नहीं, एक के लिए तीन क्यों बेआराम है? आप लोग सोइए, मुझे वैसे भी सफर में नींद नहीं आती। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्हें शक है हम पर, कि कहीं अमेरिका बैग ना उड़ा ले। इसलिए जागना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आप तीनों को मुझ पर शक है, कहीं मैं आपका सामान ना उड़ा दूं, इसीलिए आप सोना नहीं चाहते। लीजिए चोर की दाढ़ी में तिनका। ये मिसाल तो गलत है, चोर पर मोर कहें तो बजा है। अच्छा साहब, आप जागिए, हम सोते हैं। मैं जरा लाइट ऑफ करता हूं।
जागने वाला तो बेहोश सो रहा। जी नहीं, जो सोए सो खोए, जो जागे सो पाए। जी, बत्ती बुझा दीजिए। जी, बहुत अच्छा। एक मिनट। जैसे हार तो जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसने तो सचमुच चोर पर मोर वाली बात कर दी थी। मुझसे बच के जाएगा कहां, आखिर तक पीछा करूंगा इसका। खुशी की नींद सो गया था मैं। मैंने तो करवट भी नहीं बदली। क्या सुना दिया था आप लोगों ने मुझे? हमने? जी, मेरे नाक पर रुमाल रखने का शुक्रिया, वरना मैं सचमुच आराम से ना सो सकता। अब तो तबीयत बिल्कुल हल्की मालूम होती है। आपको मालूम था कि रुमाल में कुछ? जी हाँ, मैंने सोचा मैं भी आराम से सो रहा हूँ और आप भी आराम से मेरी तलाशी लेते रहे। वाह उस्ताद, मान गए, आप हमारे गुरु, हम आपके चेले। हाँ उस्ताद, अब तुम मेहरबानी करके इतना बता दो कि तुमने रुपए छुपाए कहाँ? छुपाने की क्या जरूरत है, एक जगह रख दिया था, बस वहीं पड़ा है अब तक। ये पहेली मेरी समझ में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ आप न शायरी समझते हैं न ठगी। बताइए ना, कहाँ था रुपया? हम तीनों रात भर से सोचते सोचते पागल हो रहे हैं। मैं जानता था कि आप लोग मेरी हर चीज की तलाशी लेंगे मगर अपने बिस्तर को हाथ तक नहीं लगाएंगे। कमाल है। साथ देता हूं उस्ताद। लेकिन अगर हम आपको बेहोश छोड़कर रास्ते में ही किसी स्टेशन पर उतर जाते तो? आप उतर ही नहीं सकते थे। कैसे नहीं उतर सकते थे? आप नहीं उतरे ना? नहीं, बस ऐसा ही।
वाले कहलाते थे हम, वो भी एक जमाना। दिल भर है अब दिल का मालिक, ये भी एक जमाना। गुरुजी, छिपेगी मात न इन सर्द सर्द आहों से, कि टपक रही है शर्मिंदगी निगाहों से। गुरुजी, वो असामी तो हमारी भी बात होगी, रुपए को छूने तक नहीं। और फर्स्ट क्लास की 3 टिकटों का किराया भी गया और बैरन लौटना पड़ा, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे गुरुजी। और वो 200 रुपए कहाँ है जो भैरव ने तुम्हें दिया था? मुझसे होशियारी, वो आसामी तुमने भैरव के हाथ 200 रुपए में नहीं बेची थी क्या? बेची थी, लेकिन लेकिन आपको कैसे पता चल गया? कहाँ क्या हुआ और क्या होता है सब खबर पहुंचती है। दुलारी ने कब आसा में बेची, कब रुपया लिया, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। रुपया जेब में रख लिया और हमें बगैर टिकट, बगैर रोटी, बगैर पानी ले आए। तुम्हें शर्म आई या के? मैं कान पकड़ता हूँ गुरुजी, फिर ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। छुपती नहीं है बात बनावट की, बाल भर खुल जाती है आखिर को रंगत खिताब की। तुम भी मेरी मुखालफत करने आए हो? आया तो इसलिए, मगर तुम्हारे पिताजी शादी के खिलाफ थे। इसलिए कि वो जमाने और समाज की सताई हुई ऐसी औरत की बेटी है जिसे मर्दों के जुल्म और सितम का जवाब देने के लिए मजबूरन वेश्या बनना पड़ा। क्या हम पढ़े लिखे नौजवानों का ये फर्ज है ऐसी लड़कियों को दुनिया की नफरत और धुतकार से बचाने के लिए हम आगे बढ़े? तुम ठीक कहते हो केशव, हमदर्दी प्यार और मोहब्बत से हम नीच से नीच, बदनाम से बदनाम इंसान को उभार सकते हैं, सुधार सकते हैं। तुम्हारे इन विचारों से मुझे उम्मीद है कि अब तुम मेरी मुखालफत नहीं करोगे। जानना चाहता हूँ यहाँ पहुंचते पहुंचते मेरा इरादा किसने बदल दिया? कौन है वो महापुरुष? महापुरुष नहीं, एक मजबूर और साधारण लड़की। भगवान न जाने कैसे अनदेखे अनजाने संबंध मिला देता है। लड़की का नाम कोयली है, भैरव प्रसाद, ठग यहाँ बली। कहाँ मिल गया तुम्हें ठग? गिरजापुर स्टेशन पर तांगा देख रहा था कि भैरव साहब तशरीफ ले आए और फरमाने लगे तांगा वांगा कुछ मिलेगा नहीं, पैदल ही चलना होगा। और तुम उसके साथ चल पड़े? हाँ, मैंने सोचा बात करते हुए रास्ता कट जाएगा। जब गांव के नजदीक पहुंचे तो बड़ी निम्रता से कहने लगा, आओ थोड़ी देर मेरे घर में सुस्ता लो। फिर क्या हुआ? मैंने इनकार किया तो मुझे कोर्ट से पकड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। आस पास खेतों में काम करते हुए लोग जमे हो और आखिर मुझे जाना ही पड़ा। क्यों? उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं दामाद हूँ उसका। दामाद? हाँ, वक्त ने बात ऐसी जमाई कि सीधे साधे धाती सच मान गए कि मैं दामाद हूँ उसका और उसकी बेटी को बसाना नहीं चाहता। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, जरा डिटेल में सुनाओ। मैंने जाने से इनकार किया तो भाई लोगों ने मुझे अपने कंधों पे उठा लिया और उस ठग के घर ले गए। हेलो चौधरी, ऐसे ठाट से कौनो दमाल अपने ससुराल नहीं आवा। है आप लोग, शहर में रहता था तो किसी ने मेरी बीवी का मुर्दा नहीं उठाया और आप लोग मेरे जिंदा दामाद को उठा लिया। बड़े भाग्यशाली है मैं और मेरी बेटी जो अपने भाइयों के बीच आवत। अरे नहीं चौधरी, तुम्हार बिटिया हम सबके बिटिया है। और चौधरी फिर सहरी बाबू का वो इगिर तिगिर करे ना तो हमका खबर दियो, हम पहुंच जावा आए थे। अरे तुम्हार इज्जत हम सबन की इज्जत, सगरे गाँव की इज्जत है चौधरी। देख रहे हो रेशमी बाबू कितना मेल है हमारे गांव। अब कभी तुमने ची चपड़ की और इन्होंने तुम्हारा गला दबाया। तू ऐसा करो राम धन कि चौधरी दरवाजे पहरा लगा दो, भले ऐसा न हो कि हमने सबके जाते एक हम खपक जाए। अरे ना राम धन, ले मेरी लाठी और डट जा दरवाजे में।
तेरी जवानी की कसम, इस एहसान के बदले किसी रात को तेरे खेत काट लूंगा। देख ली अपनी ताकत और मेरा दिमाग, है कोई मुकाबला? अच्छा बोलो क्या पियोगे, चाय पानी ठंडा? यार बात खाकर जेब से क्यों, रुक रुक चलो ऊपर चलो, ऊपर का कमरा बड़ा हवादार है, चार पाई पर पड़ते ही नींद आ जाएगी, शाम को अपना रास्ता पकड़। नहीं मैं अभी जाऊंगा इसी वक्त, मेरी जिद तो पूरी हो चुकी, तुम चाहो तो शौक से जाता, पर एक बात का ध्यान रखना, रामधन और मेरी लाठी तुम्हारी खिदमत के लिए दोनों ही हाजिर। यार काय को मुफ्त में हाथ पैर तोड़वाते, चलो ऊपर चलो बात। आओ घबराते बापू, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये हमारा मेहमान। कहाँ से आए हैं? मेहमान हमारे यहाँ आते नहीं, लाए जाते, भगवान ने इसे भेज दिया। तू ये घड़ा बड़ा रख, मैं नीचे आकर सब बात बता। चलो मोटी असामी है क्या? हाँ 200 रुपए में खरीदा है इस बकरी को। 200 रुपए में खरीदा है? हाँ और वो भी दामाद बना, जिंदगी बीत गई ठगबाजी कर, लेकिन ऐसे होशियार आदमी से अभी तक पाला नहीं पड़ा, सुबह से ये वक्त होने आया और 20,000 की रकम अभी तक उसी के बैग में। जाएगा कहाँ, अब तो वो अपने ही घर में है। अरे घर में तो है पर जेब में तो नहीं है, जा जरा ऊपर जाकर कोशिश कर, देख सीधी उंगली से घी निकलता है या कोई और इंतजाम किया। जरा मुंह तो कुछ पछ लू। अरे कोई जैसे ही सुना मैं तो भागे चली आई। क्यों तेरा मर्द आया है ना, उसे देख ले। आ तेरे माथे पे बिंदी लगा दो और मांग में सिंदूर भर दो। हम तो समझते थे कि तू कुंवारी है, ये तो आज ही पता चला कि तू सुहागन है। सुना है बड़ा ही सुंदर है तेरा मर्द। तुझसे किसने कहा? रामधन काका ने, बाहर बैठा जो है लाठी लिए। लाठी? हाँ क्यों? वो तेरे मर्द की रखवाली करने के लिए कि कहीं भाग ना जाए। रामधन कहता था बड़ी मुश्किल से उठा के लाया हूँ। उठाकर? हाँ वैसे आता ही कहा था। रामधन कहता था बड़े गुस्से वाला है। भला क्यों? मैं क्या जानू, जाकर पूछ ली, बैठा तो है ऊपर, अभी जाके पूछती हूँ। कहाँ जा रही थी तू? जीजा जी से पूछने जा रही हूँ कि हमारी कोयली को भूलकर वो इतने दिन था। हाँ अरे ये भी कोई पूछने की बात है, और अभी तो 5-6 दिन है, फिर पूछ लीजिए, अभी तो सोई जाए तो अच्छा है। अच्छा तुमने अत्तो पत्तो देव की चिरागो भावो नूर जमालो देवी दित्ती नाम की सबको मना कराती हूँ कि आज ना आए, नहीं तो वो सब तो आज ही आ रही थी कोयली का मदद देखने। अरे वो मेरा दामाद है या कोई लीडर है जो सब दर्शन करने चले आ रहे हैं, दम भर में टिकट लगा दूंगा। देख किसी से कहियो नहीं, वो तो अपनी बीवी से ही बिगड़ता है। जा फिर। अच्छा क्या है? कुछ नहीं, तुम्हें देख रहे हैं। क्यों? तुम्हें नहीं पता? नहीं। मुझे बापू ने भेजा है, जानते हो क्यों? नहीं। वो कहते हैं तुम्हारे बैग में बहुत सारा रुपया है, उसे तू किसी बहाने ले आ। और तू समझती है कि मैं तेरे चक्कर में आ गई, ये रुपया तुझे दे दूंगा? अगर ऐसा समझती तो तुमसे साफ साफ ना कहती, मुझे बापू ने भेजा, मुझे आना पड़ा। शर्म नहीं आती? आती है, लेकिन क्या करूं? लानत ऐसी जिंदगी पर। तुम सच कहते हो बाबू, मैं खुद तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी। और फिर भी ये जा रही हो, बहुत ढीठ मालूम होती।
जो जी चाहे कह लो बाबू, सहने की आदत हो गई है। सबको नफरत ही करना आता है, नफरत की वजह दूर करना किसी को नहीं आता। बाबू न जाने क्यों मेरा दिल तुम्हारे सामने फूट फूट कर रोने को करता है। कोहली, ए कोहली। आई बाबू। मैंने तुझे ऊपर किस लिए भेजा था? मेहमान से बातें करने के लिए। मगर कौन सी बातें करने के लिए? उसे ठगने के लिए या पर रोना रोने के लिए? देख, मैंने सब सुन लिया। सुन तो लिया लेकिन समझे कुछ नहीं। तू मुझे उल्लू समझती? मैं भी इतनी पागल नहीं जितना तुम समझते हो। अरे बापू, अपना रोना रोकर उसके दिल में हमदर्दी जगा रही थी। उंगली पकड़ते ही पहुँचा पकड़ लूंगी। ऐसा? अरे मैं तो डर गया था, कहीं तू मुझे ही तो दगा नहीं दे रही। दगा तो दे रही, दोनों में से एक को। अरे तू मुझे क्या खाकर दगा देगी? मैंने खाट खाट का पानी पिया। जिस दिन हजार ठग मरे होंगे ना, उस दिन मैं पैदा हुआ। तुम्हारी चेली हूँ, जो दिल में ठान लिया उसको ठान लिया। मुझे तुझ पर नाज, या अपना काम शुरू कर दे। एक पल के लिए गई थी, वापस आ गई। ये तो मैंने भी देखा, और जो बातें तूने अपने बापू से कही वो सब भी सुन ली। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे उन बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं। अब तू मेरे सामने सर भी पटके तो मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं असर डालना भी नहीं चाहती। अगर मेरी बातों में सच्चाई हुई तो तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। सांच को आंच नहीं। तुम्हारा ये तिरिया चरित्र मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपना और अपने बापू का भला चाहती हो तो मुझे यहाँ से चला जाने दो। रामधन के पहरे और बापू की जाल से निकलना आसान नहीं। मैं खुद इस फंदे से तुम्हारी रिहाई का रास्ता ढूंढ रही हूँ। और उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ लोगी, ये किसके लिए कह रही थी? बाबू तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मुझे ये तो बताओ अगर मैं ऐसी बातें नहीं करती तो वो मुझे तुम्हारे पास दोबारा कैसे आने देता? मेरे पास आने की तुम्हें जरूरत क्या है? वही जो एक भिखारिन को किसी के दरवाजे पे आने की होती है। लेकिन इस दरवाजे से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें एक पैसा देना भी पाप समझता। मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम मुझ पे विश्वास करो। मुझे सिर्फ थोड़े सहारे की जरूरत है जिससे मैं इस घिनौनी जिंदगी से निकल सकूं। लेकिन जिस कीड़े ने जन्म ही नाली में लिया हो वो कभी गंदगी से निकलना नहीं चाहता। मेरा जन्म इस नाली में नहीं हुआ, मुझे तकदीर ने यहाँ फेंक दिया। ये भैरव मुझे बचपन ही में कहीं से उठा लाया था। बाली! आ, बाली! मोटी मोटी गालियां भी दे रही थी। हाँ, जितना तुम्हें बुरा कहती हूँ उतना ही खुश होता है मेहमान। चलो अच्छा हुआ, इतने वर्षों के बाद खुश तो हुआ तुमसे। अरे अंगूरी, इस रोटिया में क्या लाई है? दूध। मेरी माँ बोली चौधरी के घर मेहमान आया है, जरूरत होगी दूध की। धन है तेरी माँ। हाँ, हमारे मेहमानों तक का ख्याल रखे। अरे हाँ बोली, तू अपने मर्द को मेहमान क्यों कह रही थी? इसलिए अभी कुछ पता नहीं चला उसके दिल का। साथ ले गया तो मत कहूंगी, यही छोड़ गया तो मेहमानी हुआ। और मैं तुझे उसके साथ नहीं भेजूंगा और ना उसे जाने दूंगा। ए चौधरी, तो बेटी को जिंदगी भर घर में बिठाए रखोगे क्या? तुम तो कोयली को विदा करने लाए थे ना दामाद को। लाया तो इसीलिए, लेकिन सोचता हूँ इसके जाने के बाद मेरे रोटी पानी का क्या होगा। अरे है तो अपना घर बसा लो ना उसके जाने से पहले। 40वां चल रहा है, कौन बताएगा मेरा काम। अच्छा मैं आके बना दिया करूंगी तेरी रोटी। बस रोटी बनाने का बड़ा शौक हो रहा है। अच्छा अच्छा, अभी तो तू चल, मैं फुर्सत में तेरी माँ से बात करूंगा। ये दूध बड़ा मौके से आया है। वो कैसे? एक गिलास में नशा मिला के मेहमान को पिला दूंगी। मेरे नाटक का तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टे तुम मुझ पे शक करने लगे जैसे मैं उसकी सगी लगती हूँ तुम्हारी दुश्मन। नहीं नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने पे अविश्वास कर सकता हूँ, इस पर अविश्वास नहीं कर सकता। तू चलकर उसे ठीक कर और मैं दूध को ठीक करके ला दूँ। सुनो बापू, दूध के दो गिलास लाना, एक में नशा हो एक खाली। ये किस लिए? वो
वो मेहमान के सामने मैं पीऊंगी। समझा समझा, उसे बेवकूफ बनाने के लिए। अरे किसी दिन तू मेरे भी कान कर रही। वो दिन दूर नहीं। चल अपना काम कर, जरा सा हुनर सिखा दिया तो अकड़ नहीं लगी है। मैं अभी तक यही समझता रहा कोयली मुझे धोखा दे रही, लेकिन वो बेचारी मेरी मदद के लिए भैरों के सिखाए हुए हुनर उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। फिर क्या हुआ? कोयली, ए बेटी कोयली, ले अपने बाके बिहारी के लिए दूध ले जा। नशा किसमें है? बड़े गिलास। ठीक है। सुनो बापू, मेहमान बेहोश हो गया तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे? ओहो, तू चिंता मत कर, मैं उसे कंधे पे लाकर खेतों में पटकाऊंगा। पर रामधन जो पहरे पे बैठा है उसने देख लिया तो शक नहीं करेगा? जो उसे चिंता करो। बैठा रहने देना, हमारा क्या लेता है, जरूरत होगी तो उसे भी एक ऐसा गिलास पिला देंगे। पर देख, लड़का बड़ा काई है, फौरन दूध ले जा, कहीं शक ना कर बैठे। शक तो तब होगा जब मैं कोई उल्टी बात करूंगी। पर तेरा भी क्या भरोसा है, ना जाने किस वक्त कौन सा राग लापता शुरू है। रात कोई भी हो बापू, पर धोखा नहीं दूंगी। बाबू, दूध पी लोगे मेरे हाथ से? तेरे हाथ से तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। ऐसा ना कहो, एक बार तो विश्वास करके देखो मेरा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। यही बात तू अपने बाबू से भी कह रही थी। पर मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। कौन जाने सच, उधर आई है इधर। ये तो वक्त ही बताएगा, लो दूध पी लो। नहीं, जिद ना करो बाबू, तुमने सुबह से एक घूंट पानी का भी नहीं पिया है, क्यों अपने शरीर को सजा दे रहे हैं? पियो। सामने से हटा लो दूध, वरना ठोकर मारकर गिरा दूंगा। ठोकर ही मारना है तो मुझे मार लो, मगर दूध पी लो। इसमें नशा है, मैं इसे खुद बाहर फेंक देती हूँ। राम राम, ये दूध ऊपर से कौन गिरा रही है? ये ठीक है, इसे पी लो। तुम्हें एक बार नहीं, अच्छा देखो मैं पीती हूँ थोड़ा सा। बस लो। काहे ये ऊपर चौबारा से हम लोग पर दूध को गिराई थी? देखो रामधन, ऊपर तो मेरी लड़की और दामाद के अलावा तीसरा दूध फेंकने वाला है नहीं। तो जमाई राज मस्करी की नोई है मेरे पास है। अरे भाई, बाप का माल तो है नहीं, ससुर का माल है, फेंक दिया होगा। नहीं काका, दूध मैंने फेंका था, तुम नीचे बैठे थे क्या? हाँ बिटिया, हम तो रखवाली करत रहे तुम्हारे मन से दुख कि कहूँ फिर से न भाग जाए। नहीं काका, अब वो मुझे छोड़कर कहीं ही नहीं जाएगा, तुम तसल्ली रखो, घर जाकर आराम करो। अच्छा। हाँ ये कपड़े मुझे भिजवा देना, मैं धोकर भेज। कौनो बात नहीं बिटिया, ये तो हम धो ले अपने आप। अच्छा। गिलास में कुछ गिर गया था। क्या गिर गया था? मक्खी। मक्खी? मक्खी नहीं निकाली गई, दूध फेंक दिया गया। मैं बाबू इधर तो आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। क्या बात है? न जाने तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया है, बिना सोचे समझे डांटने लगते हो। अब मैं पराए आदमी के सामने तुम्हें कैसे बताती कि बात क्या थी? अब तो पराया आदमी दफा हो गया, अब तो कुछ मुँह से फूट। लड़का सचमुच बड़ा काइया है, नशे के गिलास मेरे मुँह से लगा कर कहने लगा पहले तुम पियो फिर क्या। मैंने आओ देखो न पाओ, झट से दूध का गिलास नहीं क्यों डल दिया। बापू मैंने ठीक किया ना? बापू मैंने उसकी उंगली तो पकड़ ही ली है। वो कैसे? उसने मेरे हाथ से दूध का गिलास पी लिया। तो इससे क्या हुआ? इससे उस पे मेरा एतबार जम गया, जिसने मेरे हाथ से दूध पिया वो खाना भी जरूर खाएगा और खाने में नशा मिला देंगे। ठीक है ना बापू? तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, ठीक यही बात मैं तुझसे खुद कहना चाहता था। तो सुनो, तुम जाके रसोई में चूल्हा जलाओ, मैं उसकी खबरगिरी करती हूँ। अब तो रामधन भी पहरे पे नहीं है। हाँ जरा चौकन्नी रही, ये लड़का तो मेरा भी बाप मालूम होता है। मैं बहुत खुश हूँ बाबू, तुमने मेरी एक बात मान ली। मैं तुम्हारी सौ बातें मानूंगी, मगर मुझे एक भी नहीं मानी।
मैं तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। लोग तो वेश्याओं तक का सुधार कर देते हैं, क्या मैं उनसे भी गई गुजरी हूँ? ना तो मैं सुधार करने वाला कोई नेता हूँ और ना तुम जैसी औरतों से खुश होने वाला छिछोरा। सच बताऊं, सुन सकेगी? मैं तो बुरी से बुरी और कड़वी से कड़वी बात खुशी से सुन लेती हूँ। मैं तो इसी में खुश हूँ कि तुमने मुझे बातें करने लायक तो समझा। तो सुन, जैसी तू है बदनाम, घर में पली हुई, ठीक है, कैसी ही लड़की की शादी रुकवाने के लिए मैं घर से निकला हूँ। शादी रुकवाने? ऐसा न करना बाबा, बड़ा पाप लगेगा। तुम्हें क्या मालूम वो बेचारी किस मजबूरी में पड़कर बदनाम हुई है, और उससे जो शादी करने जा रहा है शायद उसकी असलियत जान गया हो। तुम्हें क्या मिलेगा शादी रुकवा कर? मिलेगा एक अच्छे खानदान की इज्जत बचाने का पुण्य। इस तरह ठुकराए जाने से अगर उस लड़की ने फांसी लगा ली तो? ऐसे लोगों में मरने की हिम्मत नहीं होती। वो इसलिए मरना नहीं चाहते कि उनके साथ उनके सुधरने की उम्र न मर जाए। ऐसी लड़कियां जिंदगी के आखिरी सांस तक इसी इंतजार में जीती हैं कि शायद कोई उनके इमदाद के लिए आगे बढ़ाए, उनकी मजबूरियों पे किसी को रहम आ जाए। मैं भी उन बदनसीब लड़कियों में से एक हूँ। मगर मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। तुम्हारी मर्जी, मेरे लिए तो इतनी ही बहुत है कि तुम्हारे आने से मुझे बुराई और भलाई की पहचान तो हो गई, मेरी सोई हुई आत्मा तो जाग उठी। मगर ये तो कहो, कितने दिन तक जागती रहेगी तुम्हारी आत्मा? मैं क्या कह सकती हूँ बाबू, औरत तो एक बेल की तरह होती है, जो भी पेड़ पास हुआ उसी से लिपट जाएगी, उसी के गुण उसमें आ जाएंगे, चाहे वो कीकर हो या। क्यों, कुछ मेरे बारे में सोच रहे हो? कुछ कह नहीं सकता। सुनो, तुम्हें जिंदगी से नफरत है ना, तो तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाओ, बिना सहारे औरत के लिए दुनिया में कहीं इज्जत नहीं। मेरे साथ चलोगी? तुम ले चलोगे? मगर मगर मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? ले जा भी कहां सकता? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मुसीबत अपने गले डाल लूं? ना, मैं ये नहीं चाहती। बस तो फिर ठीक है, तुम यहीं पड़ी रहो। हो सकता है तुम्हारा बापू किसी और को, जो मुझसे ज्यादा रहमदिल हो, अपना दामाद बनाकर ले आए। बेचारी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई। भैरों ने जब खाना तैयार कर लिया तो जायके में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? अरे उस्तादों के बताए हुए नुस्खे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। फिर तो ठीक है, तू बेफिक्र रहे। मगर अभी खाना नहीं। क्यों? अभी बताते। बापू तुम भी ऊपर आकर मेहमान के साथ खाना खा लो। मालूम होता है तेरी नीयत में फिर फर्क आ गया, मुझे भी बेहोश करना चाहती है। मैं एक ही थाली में थोड़ी खाने के लिए कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी थाली लाती हूँ। लड़का बोलता मैं अकेले नहीं खाऊंगा। कोई बहाना कर देना, कह दे मैं गमार उसके संग खाता क्या अच्छा लगूंगा। बापू अगर तुम उसके साथ खाओगे ना
तो उसे शक नहीं होगा। कमाल का आदमी है, पट्टे के सर पांव का पता ही नहीं लगता। जा तू थाली ला। जा। और कोयली ने चालाकी से थाली बदल दी, नशे वाला खाना भैरों को खिला दिया। फिर भैरों लड़खड़ाता हुआ नीचे उतर गया। बाबू तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता, नींद आ रही, मैं सोता हूँ क्या। हाँ तू वो बैग लिया, अभी उसे अच्छी तरह नशा तो चढ़ जाने दो। अरे चित हो गया होगा, तू देख तो जाके। मैं ले चलती हूँ। तुम भी मेरे साथ चल रही हो क्या? हाँ, गांव के हद तक। क्यों? रास्ते में किसी ने पूछा तो कह देना अपनी बीवी को साथ लेकर जा रहा हूँ। कोयली, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम ये एहसान क्यों कर रही हो मुझे? चुप क्यों? जल्दी चलो, देर हो रही है। जाने से पहले इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। कौन जानता हम फिर कभी एक दूसरे से मिले ना मिले। क्या देना चाहते हो? इस बैग में 20,000 रुपया है, सब रख लो। ना। सुबह तुम्हारे बापू ने रुपया मांगा तो क्या जवाब दोगे? जो उस वक्त समझ में आएगा। और इस रुपये के लिए तुम्हारे बापू ने तुम्हें मारपीट की तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम क्या मुझे देखने आओगे? इसलिए तो कहता हूँ ये रुपया रख लो। मेरे एहसान के बिना ये रुपया नहीं। फिर तुम ही बताओ क्या चाहती हो तुम? तुम खैरियत से चले जाओ, बस यही। I know.
से न जाओगे, राम कसम हमें बड़ी याद आओगे, बड़ी मेहरबानी होगी जो ये बताओगे, सोई तकदीर मेरी कब आ जगाओगे, ओ साजना मालूमा याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, ओ साजना दिल से लगा ली मैंने तेरी निशानी, साजना याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी। और दूर तक उसके गाने की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। अब तक बहरों की बेहोशी दूर हो चुका होगा, जालिम उससे मारपीट करता होगा। सुबह सुबह क्यों रो रही है, कौन पड़ गया? बापू पंछी उड़ गया। पंछी उड़ गया तो बहुत अच्छा हुआ, उन्हें क्या पंछी का आचार डालना था, रुपया तो छोड़ गया ना, वो भी साथ ले गया। हाँ, रुपया भी साथ ले गया, सब तू कहाँ मर गई थी? मैं तो यही रास्ता रुक के उसका बैठी रही, न जाने किस्मत मेरी किस्मत सो गई। तेरी किस्मत क्या सोई, मेरी किस्मत सो गई। सच बता, तूने उसे भगाया? मेरा क्या लगता था जो उसे भगाकर तुम्हारी मार खाने के लिए यही बैठी रहती, 20,000 हाथ लग जाते तो हमारे काम आता। मुझे तो दाल में काला नजर आता है, जरूर तूने मेरे खाने में नशा मिलाया होगा, नहीं मैं इतनी देर तक बेहोश पड़ा रहता। अरे मेरी तो कुत्ते की नींद है, जरा सी आवाज पे भौंक उठता हूँ। मर गया बाबू। तुम्हें मुझ पे शक है तो मेरा गला घोट दो, खत्म कर दो मेरी जिंदगी, मुझे तो खुद शर्म आ रही है कि मैं दांव हार गई। अरे तू दांव क्या हारी, दांव तो मैं हार गया, 200 रुपए जेब से गए, 20,000 की घर में आई रकम चली गई। खैर बच के कहां जाएगा, बेटा की नाक नहीं काटी तो मेरा नाम भैरव प्रसाद नहीं। तूने उसका नाम पता तो पूछा होगा। गर्दन क्या हिला रही है, पूछे फूट नहीं पर तू का भाग रही है, जाके चूल्हा जलाऊ या नहीं? ए चौधरी क्यों गरज रहे हो कोयली पर? अरे ये बिचारी है ही करम फूट, कब वक्त फिर इसे दगा दे के भाग गया। चला भी गया तेरा मन? हाय हाय बड़ा निर्दय, जरा भी तरस नहीं आया उसे? नहीं। अरे अब उसकी याद में रो रो कर क्या जान देगी, चल चूल्हा जला। मैं जला ही देती हूँ चूल्हा, इस बिचारी को दिल का बोझ हल्का कर देगी। बापू ये तुम्हारे दामाद का ये नाटक कितने दिन चलेगा? चौधरी अरे अरे फिर रोना शुरू कर दी, राम जना चौधरी जी। हम कहाँ चल के जमाईराज जी के खबर ले आई, सोवत है कहाँ? क्या बताऊँ पहला, मेरी कोहली को रोता तड़पता छोड़ के फिर भाग गया भैया। अरे राम राम। अरे चौधरी जी हम का कहे नहीं बतायो, हम ससुरवा के टांग तोड़ दे। लेकिन पहलवान मुझको तो पता ही नहीं लगा कि कब चला गया, वरना एक टांग तो मैं खुद उसकी तोड़ देता, तुम्हारी दुआ से कुछ इतना गया गुजरा। तो है ही है। मैं तो कहूँ चौधरी राम धन को साथ लेकर अभी पीछा करो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अंगूरी हमने आज तक किसी का पीछा नहीं, हमेशा सामना। अरे पर चौधरी तुम चलो तो एक दही तो एक पकड़ के ले नहीं आओ। नहीं राम धन काका, कोई जरूरत नहीं उनके खोजने की, अगर फिर आकर चले गए तो ऐसे प्रेम डोर से बांध रखना ना। अरे जबरदस्ती कोई किसी को प्रेम डोर से बांध सकता? अरे चौधरी एक दही वही आ जाए तो फिर वही के लाश है बाहर निकली। नहीं काका मैं उनके बारे में कोई भी बुरा शब्द नहीं सुन सकती, वो आए ना आए उनकी मर्जी। तू धन है, तुम
जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ही दम से ये संसार का है, वरना प्रलय हो जाती पहले। अंगूरी, अब मेरा जी संभल गया है, तू जा, मैं चूल्हा जला लूं। अच्छा फिर चौधरी, हम हूँ चले जाएंगे। हाँ, जयराम जी की जय। बापू, तुम चले क्यों नहीं जयराम धन को साथ लेकर? अरे तूने ही तो मना किया था। मैं तो ऊपर से बोल रही थी और तुम लगे पतिव्रता की गुण गाने। फिर क्या करूं, लोगों के सामने तो तेरी हामे हाँ मिलानी पड़ती, और फिर रामधन के साथ जाने का भी तो डर था। पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, 20,000 की असामी थी। यार ना मिला 20,000 की बात, दिल बैठने लगता है। खैर मैं हार मानने वाला आदमी, जरा मत घबरा, कोई नया जाल बुन कर निकलता हूँ 2-4 दिन में घर से। मैंने भी ठान लिया है, अब किसी कीमत पर मैं कोयले को स्नर्क में नहीं रहने दूंगा। लेकिन अब वो बदमाश तुम्हें घर में घुसने भी नहीं देगा। सब सोच लिया है, वो ठग है तो मैं बनारसी ठग हूँ। बनारसी ठग? हाँ, चलो केशव, तुम्हारी शादी में अपने हाथों करवा दू। जब तेरा नाम लिया दिलबरा, जब तेरा नाम लिया दिलबरा, जब तेरा नाम लिया हमने तो दिल थाम थाम लिया। दिलबरा जब तेरा नाम लिया हमने तो दिल थाम थाम लिया। निशाने जान मन दिया है एक दिल खुदा ने, क्या करूं ये जान एक दो निशाने। दोनों को सलाम किया दिल बड़ा जब तेरा नाम लिया हमने तो दिल थाम थाम लिया। दिल बड़ा जब तेरा नाम लिया हमने तो दिल थाम थाम लिया। तुम हो नाजनी ये मान, तुम हो महजूबी, मगर न दूंगा तुमको दिल के तुम किसी के भी नहीं। हजारों को गुलाम किया दिलबरा जब तेरा नाम लिया हमने तो दिल थाम थाम लिया। दिलबरा जब तेरा नाम लिया हमने तो दिल थाम थाम लिया। दिलबरा जब तेरा नाम लिया हमने तो दिल थाम थाम लिया। दिलबरा
उससे क्या काम है आपको? हमको एक छोकरा बोला इस शहर में ना कोई होटल है ना कोई सराय। ठीक बोला, ये तो गाँव है, आप जाइए। वो इसलिए तो बोला कि हम परदेसी हैं। हम सुना तुम बहुत मेहरबान है। बोल लाला हमारे पास बहुत रुपया है, परदेसी सड़क पे सोएगा तो लुट जाएगा। बहुत रुपया फिर सड़क पे क्या सोएगा खान? तुम पहले से क्यों नहीं बोला असली बात? हम सुबह चला जाएगा, तुमको झोला भर के पैसा देगा। बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी किस्मत का होगा खुद मिल जाएगा। क्या बोलते हो? कुछ नहीं, मेरा मतलब है रुपया पैसा तो यही रह जाएगा, इंसान और पठान खाली हाथ जाएगा। वही लाला ये परिजात कौन है? ये हमारा लड़की है, जरा नादान है। लाला तुम सच बोलते हैं, ये तुम्हारा बेटी हो? क्यों हम इसका बाप होने लायक ही नहीं? लाला तुम इतना खूबसूरत बेटी का बाप हो, लाला तुमको खुदा जन्नत नसीब करेगा। है अभी तो मैं तुम्हारी जन्नत का इंतजार किए देता। ऊपर का कमरा बड़ा हवा था, खाट पर लेटते ही नींद आ जाएगी। तो हमारा नींद तो चला गया लाला। लाला तुम इस परिजात के ऊपर भेज दो, हम मीठा मीठा बात करेंगे। बाबू निकालो पठान के बच्चे को बाहर। क्यों? ये बदमाश मुझसे ऊपर आने के लिए कहता है, मुझसे मीठी मीठी बातें करने के लिए कहता है, और तुम खड़े सुन रहे हो? रुपए के लालच में तुम्हें इतनी भी गलत नहीं रही? कोई नहीं, ये गुस्से में क्या बोलते है लाला? कुछ नहीं खान, मैंने कहा ना नादान, तुम ऊपर। नहीं लाला हम इधर ही खड़ा होकर देखेगा। खबरदार जो मुझ पर मैंने निकाला है, मैं तेरी आंखें निकालूंगी। कोई नहीं, क्या हो गया? आधी आधी तो देखा कर। मैं साफ कहती हूँ मैं जान दे दूंगी, मगर मगर क्या? छोड़ दो मुझे, मैं शोर मचाकर सारे गांव को इकट्ठा कर दूंगी कि तुम क्या धंधा करते हो। तेरी ये वजह जो मुंह खोला तो जुबान खींची, आवाज निकली तो गलत है, मानसिक दर्द में चढ़ जाएगा। कोई परवाह नहीं, आज मैं इसका भूत उतार के छोड़ दूंगी। मानेगी मेरी बात? नहीं 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 जान नहीं मारने का है। ये अगरानी की बात देखा, आज मैं इसकी जान लेके छोड़ू तो हम इसको साथ ले जाएगा। चल शुक्र नहीं कोयली, अब ये हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ू। बाबू तुम जाना नहीं अपने दामाद को रेशमी बाबू को? चल कोयली। खबरदार ये एक भी कदम आगे बढ़ाया दोनों को यही ढेर कर दूंगा। मैं भी देखता हूं कि हमें रोकने की हिम्मत किसमें है। तो मैं भी देखता हूं। गांव इकट्ठा हो गया तो क्या होगा? होगा क्या? सांच को आंच नहीं। लेकिन बाबू तुम्हारा हमारा रिश्ता सच नहीं, झूठ है। इस झूठ को सच्चाई में बदलने ही तो आया हूं कोयली। तो मैं अपनी चीजें बांध लूं? बांध लूं। क्या बात है चौधरी? अरे पठान मेरी बेटी को उठाकर ले जा रहे हैं। चलो चलो टंगिया तोड़ दिया, वो केर कहाँ है? आओ जी आओ, ये खड़ा है बदमाश। मैं बदमाश नहीं, दामाद हूँ चौधरी का, अपनी बीवी को लेने आया हूँ, मगर ये भेजने से इनकार करता है। आप भी पूछे क्यों? ये झूठ है, सरासर झूठ। क्या झूठ है? मैं तुम्हारा दामाद नहीं, अपनी बीवी को लेने नहीं आया। अरे यार तू क्या? चौधरी जरा सबूर जरा देखा तो दियो जरा हमें। देख चौधरी सोलो वाला दमाद वही का वही है। अरे जय काम उठा के हमारा से यहाँ ले आना है। हाय राम क्या हो गया तेरी बुद्धि को भाई? एक शक्ल के दो आदमी नहीं होते। मैं नहीं पहचानूंगा अपने दामाद को, ये पाखंडी है झूठा है। मेरा दामाद सलवार पहनेगा? हरिओम कुछ समझ नहीं पर कहा मामला है, कब वो दामाद ससुर का पहचाने से इनकार करत है और कब वो ससुर दामाद का पहचाने से इनकार करत है। रामधन काका मैं बापू की सौगंध खा के कि ये मेरे पति और मैं इनकी पत्नी। बापू मुझे अपने रसोई चूल्हे के लिए जाने नहीं देते। अंगूरी तू सच बता, बापू ने क्या कहा था तेरे सामने? हाय रामधन काका, चौधरी ने कहा था मेरे सामने कि कोई नहीं किसी कीमत पर अपने मर्द के साथ नहीं जाएगी। चौधरी या तो तुम्हारी बहुत बड़ी नालायकी है, कन्यादान कई भाई बिटिया का घर में रखेगा तुमका कौनो हक नहीं तो तुझे घर में रखू। अरे नालायकी नहीं, ये नीचपना है नीचपना। अरे हम सब तो अपने अच्छा मरीज समझे रहे चौधरी। अरे भाई जो जी चाहे सो कह लो, मैं
मैंने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार ली, अपनी जबान अपने हाथ से काट करके फेंक दी। ले जाओ गुरु, ले जाओ, मेरी चीज है तो फिर मेरे घर में आके रहेगी। देखा काका, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चौधरी, फिर कब ऐसा बात की हो ना तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दी जाए। हाँ, किसी झगड़े के लिए मैंने कभी हुक्का नहीं पिया। चलो जमाईराज, चलो बताओ। कोई नहीं, फिर कब आएगी? जब तेरा ब्याह होगा बुलाएगी मुझे? मुझे पता नहीं। चलो कोयली, अपने बापूजी के गले मिल, फिर चले। बस बस बस, अब तू इसी के गले में। बापू चुप क्यों हो कोयली? क्या सोच रही हो? तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? अपने घर। क्यों बाबू? कहीं मैं तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाऊं। बापू मेरा पीछा करेगा, वो अपनी हार का बदला जरूर लेगा। तुमने देख तो लिया है कि मैं भी उससे कम नहीं, जो होगा देखा जाए। तुम्हारे घर के लोग रख लेंगे मुझे? सिर्फ मेरी माँ जी हैं घर में। अब तुम चली जाओ। अगर उन्होंने पूछा कि इस गवार को कहां से उठा ले तो? हम पहले घर नहीं, किसी होटल चलेंगे। क्यों? तुम्हें इस लिबास में देखकर मां जी शायद नाक मुंह चढ़ाएं। घर पहुंचने से पहले मैं तुम्हें ऐसा बदल दूंगा कि तुम सचमुच परिजात लगोगे, और मां जी तुम्हें देखते ही प्यार से गले लगा लेंगे। फिर तुम्हारा बापू क्या उसका बाप भी नहीं पहचान सकेगा। सच? और क्या झूठ? देखा नहीं ऐसा पठान बनकर आया था? हाँ, मैं तो बिल्कुल पहचान नहीं सकी। मैंने तो पठान समझकर उठा ही दिया था हाथ। अगर लगा देती एक झापड़ तो कितनी शर्म की बात होती। ये मेरे लिए शर्म की नहीं, बड़े फखर की बात है कि मैंने जिस लड़की का हाथ पकड़ा है उसमें हिम्मत है, गैरत है, अपनी इज्जत के लिए हाथ उठाने का हौसला है। तुम ना आते तो इस हिम्मत के होते हुए भी मैं उसी कैद में पड़ी रहती। तुम्हें इस कैद से छुड़ाने का मेरे दिल में जज्बा उभरा, ये भी तो तुम्हारी हिम्मत थी। यही नहीं, तुमने मेरे इरादे यहां तक बदल दिए कि मैं जिस शादी को रुकवाने घर से निकला था खुद अपने हाथों करवाया। तुमने बहुत अच्छा किया बाबू, तुम्हारे लिए बहुत दुआएं निकलेंगी उस लड़की के दिल से। दुआ में असर होता है? बहुत। तो मां जी जरूर तुम्हें अपनी बहू बना लेंगे। अरे मास्टर को माफ तो लेने दो। भाई मैं गया था माफ, मैं नहीं दूंगी। अजी तो साफ फिटिंग कैसे होगी? क्या मास्टर कहता है माफ के बिना ब्लाउज खुला रहेगा। तो उसमें क्या हुआ, खुला ही पहनूंगी। ओहो मास्टर जी, इसने जो चोली पहन रखी है ये दें तो चलेगी? हाँ हाँ जरूर चलेगी, अंदाज से थोड़ा आओ टाइट कर लो। तो हम बाहर चलते हैं। कोयली तुम ये चोली उतार के दे दो। फिर पहनूंगी क्या? अरे ये दुपट्टा लपेट लो ना, ये तो बहुत पतला है। पतला तो ठहर, ये लपेट लो। आओ मास्टर जल्दी से जल्दी, कितने बजे तक तैयार हो जाएंगे? शाम तक तो तैयार नहीं हो सकते बाबू, अलबत्ता 7-8 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगे। ये लो बाबू चोली। ये लो मास्टर। लहंगा तो भी दे दूं? क्यों मास्टर? अजी बड़ी खुशी के साथ फर्स्ट क्लास पेटीकोट बन जाएगा। दे दो कोयली। हाँ मैंने कहा वो कपड़ा पसंद करने आप चलेंगे मेरे साथ। मैं? जी नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। ये लो पैसे जी, तुम खुद ही खरीद लेना। अच्छी बात। ये लो बाबू लहंगा। ये लो मास्टर, अब तो काम ठीक हो जाएगा ना? अरे सरकार, अब तो बिल्कुल सतना आने ठीक हो जाएगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। कोयली मैं आ जाऊं? आ जाओ। कोयली
कोयली, अरे कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ अलमारी में। अरे वहाँ तुम्हारा दम घुट जाएगा। बहन दरवाजा ना खोलना, मुझे ला जाती है। अरे तो कब तक छुपी रहोगी अलमारी में? दर्जी आएगा जब तक। वो तो शाम को आएगा। तो शाम तक यहीं रहूंगी, मेरा दम नहीं घुटता, तुम चिंता मत करो। हाँ क्या है बेरा? मैनेजर साहब कहते हैं ये अलमारी दूसरे कमरे में जाएगी, यहाँ और आएगी। अरे भाई इसमें मेरा बड़ा कीमती सामान पड़ा है, ये यहाँ से नहीं जा सकती। तो सामान निकाल लीजिए ना साहब, ये अलमारी यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। गंगू भीगू मंगू चलो अलमारी उठाओ। नहीं तो बाबू, तुम ही बोले थे आवाज बदल बदल कर। और क्या, तुम्हें बाहर निकालने के लिए बस यही एक तरकीब थी। अब मुझे यकीन हो गया, चौधरी लाख ठगबाजी करे लेकिन तुमसे नहीं जीत। एक शातिर चोर मेरा दिल चुरा कर ले गया, पासबां कमबख्त सब सोते के सोते रह गए। कोयली की मर्जी भी जरूर होगी गुरुजी, वरना कौन किसी को ऐसे भगा के ले जा सकता है। कोयली ने भैरव को बेहोश किया होगा। कोयली को उस लड़के से जरूर प्यार हो गया होगा। उस लड़के का घर मालूम है? जी हाँ मैं जानती हूँ। तो मैं समझ लूंगा। खुद तो भैरों से कुछ हो नहीं सका, उठा के गुरुजी को चिट्ठी लिख दी। भैरों गिरजापुर के लायक है। और क्या, जिसने घर आए 20,000 के साथ, लड़की गवा दी, वो यहाँ आकर कौन सा पार खोद लेगा? वही ठीक है। आई हाउ डू यू डू, ये कौन है? ये तुम्हारे बाल काट कर बहुत खूबसूरत बना देगी। ना बाबू, इसे वापस भेज दो। क्यों? कहीं औरतें भी बाल कटवाती हैं। देखो हमारे बाल काटे हुए हैं, हम औरत नहीं। मुझे तो तुम ना औरत दिखती हो ना मर्द, जाने कौन सी जात हो। परदेशी से। नथिंग। अच्छा बाल ना कटवाओ मगर बनवा तो लो, फिर तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। हाँ चोटी झूला जो कहो बनवा लेती हूँ उससे, मगर बाल तो कभी नहीं कटवाऊंगी, चाहे मेरी जान क्यों चली जाए। मगर कोई वजह भी तो बताओ। तुम्हें नहीं मालूम, औरत बाल कटवाए तो मर्द को गाली आती है। खबरदार जो मेरे लड़के को गाली उली दी तो। अजी गाली नहीं देंगे तो आशीर्वाद देंगे क्या? वो हमारी लड़की को उठा लाए और हम उसके गुनगाते फिरे। तू यहाँ खड़ा क्या सुन रहा, जा अंदर जा। जा भी, यहाँ प्राइवेट बात भी पब्लिक में होती है क्या? अजी अगर अपने बेटे की इज्जत का इतना ही ख्याल है तो लड़की हमारे हवाले कर दो, वरना जमाने भर में वो बदनामी करूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूबना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा विश्वास करो, मेरा बेटा ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। अजी वो नीच काम नहीं कर सकता तो क्या हम नीच काम करते हैं क्या? हम गरीब हैं मगर बेगैरत नहीं जो भोली भाई लड़कियों पर खमखा का इल्जाम लगाते फिरे। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कोई और गुंडा होगा, मेरा बेटा नहीं। तुम्हारा बेटा नहीं? ये तुम्हारे बेटे की तस्वीर नहीं है क्या? हाँ ये मेरे ही बेटे की तस्वीर। तो फिर यही तो वो बदमाश है जिसने हमारी इज्जत पर हमला किया है। नहीं, मेरे दिल को यकीन नहीं होता, मेरे बेटे के रगों में शरीफ खानदान का खून, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अजी कर सकता क्या? कर दिया, इसी शराफत के धोखे में तो कर सकता। क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अजी ये तुम्हारी आंख के आंसू हमारे दिल की आंख को ठंडा नहीं कर सकते, हमें तो ये बताओ कि लड़की किधर है। मैं सच कहती हूँ, तेरी लड़की मेरे घर में नहीं, चाहो तो कोने कोने की तलाशी ले। अजी तलाशी तो पुलिस लेगी। जो तू चाहे कर भाई, मैं किस मुंह से तुझे मना कर सकती हूँ। अजी नालायक औलाद का दुख हम नहीं जानते क्या? मैं जानू मैं ही दुखी, दुखी सवाया जग, ऊंचा चढ़कर देखिया घर घर यही अग। अजी तुम क्या सोचती हो, हमको तरस नहीं आता है क्या? मगर हम भी क्या करें, आदमी हम गरीब हैं और मामला पुलिस तक पहुंच गया है।
कितने रुपए से ये कलंक धुल सकता है? मैं उतने रुपए दिए देती। अजी 398 का कलंक है, मेरा मतलब 398 का केस है, अभी सिर्फ 5000 रुपए दे दीजिए और जरूरत पड़ेगी तो फिर आ जाऊंगा। अब तो आपकी हमारी इज्जत सांझी हो गई बहन जी। अजी रुपए लेने अभी जा रही है क्या? हाँ जाइए जाइए जाइए, आखिर इज्जत का सवाल है ना, अभी रुपए लाने चाहिए। अब देखो कौन कह सकता कि तुम वही कोई हो? सच बाबू, तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। सचमुच परिजात लग रहे, बहुत खूबसूरत। अभी थोड़ी कसर है, ठहरो वो भी पूरी कर लो। ये क्या है? मेरे सुहाग की शोभा। अरे ये तो मिट्टी है, मिट्टी। तुम्हारे चरणों के नीचे आ जाने से अब ये मिट्टी नहीं रही, मेरी मां का सिंदूर बन गई है। कोयली, जैसे तुम्हारी छाया में आते ही मैं वो पहली कोयली नहीं रही। तुम इंसान नहीं बाबू, देवता हो। ये क्या कोयली? बाबू तुम मुझे अपने चरणों से अलग मत कर। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं का छोड़ ससुराल जाती। पगली, कहीं माँ जी के सामने इस तरह मत रोना, नहीं तो वो समझेंगी कि सचमुच तुझे मैं भगा कर ले आया। चलो मुझे उनके पास ले चलो। इतनी जल्दी नहीं। क्यों? खुली हवा में जरा हंस गा ले, फिर शायद घर में इतनी आजादी ना मिले। चलो एक बात पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ, अगर तुम बुरा न मानो, अगर तुम बुरा न मानो, एक बात पूछता हूँ। देखा कहीं है तुमने, दिल मेरा खो गया है, मेरा ही हो के मुझसे नाराज हो गया है, नाराज हो गया है। बोलो तो ढूंढ लूं मैं, बोलो तो ढूंढ लूं मैं, अगर तुम बुरा न मानो, अगर तुम बुरा न मानो, एक बात पूछती हूँ।
एक बात पूछता हूँ। आप उदास क्यों हो गए? आपको इस तरह चुप देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं उदास नहीं हूं माला, सोच रहा। बस से हिम्मत रोते रहते हैं सदा तकदीर को, साहेब हिम्मत हमेशा करते हैं तकदीर को। यही है गुरुजी, रॉक्सी होटल में ठहरे थे मगर शाम को कमरा छोड़ गए। तो घर ले गया होगा। होटल में आई तो कोयली एक देहातन थी। और जब गई तो एक अप टू डेट फैशनेबल ब्यूटी। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं गुरुजी, होटल के बॉय से तारीफ सुनकर मैं तो आशिक हो गया कोयली पर। लाए, हमारे असूल मत भूलो। अब क्या आ गया है गुरुजी? तुम लोगों को आगे देकर बहुत देख लिया, अब गुरुजी अपने आप को आगे दे। भगवान करे कोयली इनके हाथ भी न लगे। क्यों? कोयली से ये भी प्यार करते हैं? नहीं नहीं, ये गलत है। देखा नहीं तुमने कोयली पर आशिक होने की बात की तो कैसे बिगड़ गए थे तुम पर? माला ठीक कहती है दुलारे, दाल में कुछ काला जरूर है। अगर बनारसी प्रसाद मुंह न देखते रह गए तो मेरा नाम भी दुलारे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं तुम्हारे साथ। और मैं तुम दोनों के साथ हूँ। श्याम बाबू आगे मालकन। अकेला है? नहीं मालकन, एक लड़की है साथ में। उसे कह दो कदम भी न रखे मेरे घर, मैं उस नीच की सूरत देखना नहीं चाहती। क्यों लाया उस लड़की को? मैं सब बताता हूँ माँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, उसे कह दो दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन माँ, उस बेचारी का हमारे सिवा और कहीं ठिकाना नहीं। मेरे घर में भी ऐसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं। माँ सुनो तो, मैं उसे किन हालात से निकाल कर लाया हूँ। मैं सब जानती हूँ, हट जा, मैं खुद धक्के देके निकालती हूँ उसे बाहर। माँ माँ, अगर वो इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी ना रहूंगा। क्या उस लड़के के लिए तू माँ को छोड़ सकता है? क्या इसी दिन के लिए तुझे मैंने अपना खून पिला पिला करके बड़ा किया था? क्या माँ के दूध की यही कीमत है बेटा? माँ मैं तुझे कैसे समझाऊं? माँ तुम कुछ सुनने को भी तो तैयार नहीं। तो ऐसा तो नहीं था शाम, जरूर उस कमजात ने तुझ पे कोई जादू कर दिया। ना ना, बिना सोचे समझे किसी गरीब को गाली ना दो, उनके भी दिल होता है, उनकी भी इज्जत है। शर्म नहीं आती तुझे? माँ के सामने उस की वकालत करते हुए, जो माँ बाप की इज्जत को ठोकर मार कर तेरे साथ चली आई। वो नहीं, मैं खुद लाया था उसका हाथ पकड़कर। मैं उससे शादी करूंगा। शादी? मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। मेरी चिता जलाकर बेशक अपनी शादी रचा ले। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी और अटल। अच्छी बात। शाम, शाम, शाम। कोयली, कोयली कहाँ गई? सुन तो बेटा। मुझे जाने दो माँ, तुम्हारी बातों से उसका दिल टूट गया होगा। माँ के दिल से ज़्यादा तुझे उसके दिल की परवाह? ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखती हूँ तो कैसे जाता है। अच्छा माँ, कहीं वो दूर ना चली जाए। नहीं तो जाती हूँ मैं। मुझे जाने दो माँ, कोयली की दुनिया अंधेर हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। आज यही तो देखना चाहती हूँ मैं कि बेटे के दिल में किसके लिए ज्यादा प्यार है, माँ के लिए या उस आवारा के लिए। अच्छा माँ, मैं पागल हो जाऊंगा। यही तो आजमाना चाहती हूँ, बेटा किसके लिए ज्यादा तड़प सकता है, माँ के लिए या उस। मेरा इम्तिहान ना लो माँ, तुम नहीं जानती, कोयली को मेरा सहारा ना मिला तो वो जिंदा नहीं रहेगी। भगवान के लिए हट जाओ माँ। अगर मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो तो हटाओ अपने हाथ से धक्का देकर, बगैर माँ के ऊपर हाथ उठाए हुए तुम नहीं जा सकते उसके पीछे। माँ शाम, ड्राइवर
को मेरे ड्राइवर न जाने की तरफ मर गया कमबख्त है। तुम कौन है देवी? तुम्हारा आवाज भी दुखी मालूम देता है। मेरे नसीब में दुखी दुख लिखा है, आपने ठीक पहचान लिया। ओए मैं क्या पहचानूंगा, 1914 की लड़ाई में तोप की गोली से आंख की रोशनी जाती रही। ओए अब तो रिटायर्ड कप्तान हूँ, रिटायर्ड कप्तान हूँ। वो कभी दिन थे कि लाला राम रखा के नाम से फौजियों के जिगर कांप उठते थे, ओए जिगर कांप उठते थे। मगर आज ये भी दिन है कि खुद सड़कों पे ठोकरे खा रहा हूँ, ओए खुद सड़कों पे ठोकरे खा रहा हूँ। देवी देवी इधर देखो तो, कि मेरी गाड़ी नजर आती है क्या? मेरी मोटर? यहाँ तो कोई मोटर नजर नहीं आती। ओहो। मैं खुद अनजान हूँ शहर में, वरना आपके घर पहुँचाती। ओ तो खुद तुम परदेसी हो क्या? ओ तो किधर जा रही थी? जहाँ तकदीर ले जाती। ओ तो खुद तुम भी तकदीर का ठिकाना ढूंढती हो, तकदीर का ठिकाना ढूंढती हो। खुद तुम्हारा और कोई ठिकाना नहीं है देवी, तो मेरे घर चलो। इस मतलबी दुनिया में देवी एक दुखी दूसरे दुखी की मदद कर सकता है, और कोई मदद नहीं कर सकता देवी, कोई मदद नहीं कर सकता। आपकी बड़ी मेहरबानी लाला जी, मुझे इज्जत की दो रोटी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ओए शाबाश, ओए ओए रोटी है तो इज्जत की, ओए नहीं तो ना ही सही। ओए मेरा हाथ थाम लो देवी, चलो मेरे साथ, अगले मोड़ पे अपनी मोटर मिल जाएगी, नहीं तो टैक्सी तो हाथ आ ही जाएगी। ओए चलो देवी मेरे साथ, थाम लो मेरा हाथ, थाम लो। शिव शंभु। संभाल के लाला जी, सीढ़ी है। ओ देवी। बुढ़ापे में खांसी पूरी बुला होती है। ओ देवी जरा ये पगड़ी उधर कोच पे रखना, हो थोड़ा आराम कर लूं। शिव शंभु शिव शंभु। इसका भी तकलीफ करना देवी, और देवी जरा इसको भी रख लेना। बनारसी, इश्क सच्चा हो अगर दिल की तड़प सच्ची हो, यूं भी होता है कि बिछड़े हुए मिल जाते हैं। मोहब्बत और रसूल के दरमियान कश्मकश आज खत्म हुई। अब मैं अपने जज्बात को नहीं दबा सकता। मैं तुम्हारा दीवाना हूं कोई, तुम्हारा शहजादा हूं मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ आई हूँ, फिर ये भेस बदलने की क्या जरूरत थी? बदलती रहती है दुनिया मेरे ख्यालों की, ख्याले यार की दुनिया न बदली है न बदलेगी। दिल से दिल को राह होती है, ये झूठ नहीं। श्याम बाबू के खर्च पे तुम्हारे पास भी आ गई और ये जेवर भी हथिया लिया, 5-7 हजार का जरूर होगा, है ना बनारसी? हाँ कोयली, मगर मैं भैरव नहीं जो इन बातों में आ जाऊँ। तो फिर तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अभी पता चल जाएगा। चले कहां? पंडित को बुलाएं। पंडित? हाँ, शादी के लिए। तुम मुझसे तैयार हो शादी के लिए? आज और अभी। इतनी जल्दी क्या है, मैं तो यही हूँ। अब आज का काम कल पर मत छोड़ो, यह है बनारसी प्रसाद का सूट। नहीं नहीं। क्यों नहीं? आज का मुहूर्त शुभ नहीं। तुम हमसे ज्यादा होशियार हो गई हो क्या? तुम्हारी मर्जी, अशुभ घड़ी में ब्याह हुआ तो यही होगा ना कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जाओ बुला लो पंडित। मैं खुद जाऊं? मैं वो नहीं कि तुम हो कहीं और कहीं मैं हूं तुम्हारा साया, जहां तुम वहीं मैं। पंडित खुद आ जाए। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। माला, आप ही मेरी जिंदगी है और आप ही मेरी जान। मैं तुम्हारी जिंदगी पर जिंदगी की क्या उम्मीद, मैं तुम्हारी जान लेकिन क्या भरोसा जान का। काश आप मेरी मोहब्बत पर भी भरोसा करते। कह दो इन हसरतों को कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार।
नहीं नहीं, आप अपने हाथों से मेरी जिंदगी खत्म कर दीजिए, मुझ पर इतनी मेहरबानी कीजिए, मैं आपको शादी से नहीं रोकती। माला, जज्बात में आकर पागल मत हो जाओ। गुरुजी, पंडित जी आ गए। पधारिए महाराज। पढ़ पढ़ के सब जग हुआ, पंडित भयो ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े इस पंडित होए। धन्य महाराज। ये कन्या है? नहीं महाराज, वो असली कन्या तो अंदर है। इसकी आंखों में नीर देखकर मैं समझा यही है कारण, ये बच्चा माँ बाप का घर छोड़ पराई होते समय सब देवियां रोया करती हैं। आप भी किस पुराने समय की बात करते हैं पंडित जी, आजकल की देवियां नहीं रोती हैं। पधारी। ना बच्चा, मेरा पहला प्रश्न ही गलत निकला, आज का मुहूर्त शुभ नहीं बच्चा। ये शुभ अशुभ मैं नहीं मानता महाराज। जैसी भक्त की इच्छा, पंडित को तो अपनी दक्षिणा से मतलब है बच्चा, हवन कहाँ होगा, सामग्री लेकर आया हूँ। महाराज, ये हवन सामग्री भी छोड़िए, चल के दो मंत्र पढ़ दीजिए बस। जैसी जजमान की इच्छा, पूरी फरंगी रीत से ही लगन कराए देता हूँ बच्चा। फरंगी रीत? हाँ। दुलारे, फरंगी चले गए, रीत छोड़ गए। थैंक यू फरंगी, थैंक यू। आइए महाराज, फरंगी रीत से कीजिए। पधारिए महाराज, कोयली, पंडित जी आ गए। तू ये जाने बाबरे, बिन करता संसार, करनी का फल पाएगा, आज नहीं दिन चार। धन महाराज, धन, बस आपकी कृपा चाहिए महाराज। आहा, कन्या का मस्तक तो पूर्णमासी का चांद है ना महाराज। ऐसी तेज वाली देवी का ब्याह फौरन होना चाहिए महाराज। फौरन नहीं बच्चा, ऊट पटांग रीति से ना होना चाहिए। तुम्हें जल्दी क्या है बच्चा? महाराज, इस शुभ काम में देर करनी नहीं चाहिए, कोई और रीत निकाल लीजिए ना महाराज। पंडित जी ठीक कहते हैं बनारसी, अशुभ घड़ी में ब्याह करके तुम मेरी मौत चाहते हो क्या? तुम्हारी मौत? मुझे खुद मरना है क्या? राहु केतु, तुम्हारे आजू बाजू ऐसे खड़े हैं बच्चा, तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। 80 घड़ियां, 200 पल, इस देवी का साया तुम पे ना पड़ना चाहिए बच्चा। ये बात तुम्हारा? देखा कन्या कितनी बुद्धिमान है, मेरा वचन झट से समझ गई। यदि ठीक नहीं बच्चा, तुम थोड़े समय बाहर बैठो, मुझे अपने सुख शांति के लिए पाठ करने दो। भगवान की दया से हर बुरे समय, हर बुरे काम और हर बुरे आदमी का उपाय कर सकते। जो आज्ञा महाराज, ये लीजिए, ये अपनी दक्षिणा, ओके, जल्दी से उपाय कीजिए। तुम बाहर बैठो और मैं निकालता हूँ शुभ घड़ी। अच्छा महाराज, आप इधर कथा कीजिए, मैं उधर जरा कथा। शौक है, शौक महाराज। आंख नाक मुंह ढांप के नाम निरंजन ले, बाहर के पट तब खुले जब अंदर के पट दे। Nothing.
तुम बिन 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 लागे नहीं मोरा जिया तुम बिन बिन लागे नत नक तिन लागे नत नक तिन 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 लागे नत नक तिन लागे नत नक तिन 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 लागे नहीं मोरा जिया तुम बिन 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 लागे नहीं मोरा जिया तुम बिन बिन लागे नत नक तिन लागे नत नक तिन 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 लागे नत नक तिन लागे नत नक तिन 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 पंडित जी कोयली दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो, पूछें कहां तलाश करें, लुट गया आज काफिला दिल का। गुरुजी कोयली भाग गए क्या? पंडित जी कहां है? जहन्नम में। शर्म की बात तो यह है कि भैरव को क्या मुंह दिखाऊंगा, सोसाइटी के मेंबरों में कितनी बदनामी होगी गुरु बनारसी प्रसाद जी के। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं गुरुदेव। अपना उपदेश आप खुद ही भूल गए गुरुजी। शादी, मोहब्बत और जज्बात के चक्कर में पड़कर आप कमजोर और बुजदिल हो गए। मैं आशिक हूं, मैं मजनू हूं, जमाना जान ले बेशक, खुदा की जब नहीं चोरी तो फिर बंदों की क्या चोरी। लेकिन गुरुजी मुझे डर है कि ये कोयली किसी दिन आपके पांव की बड़ी ना हो जाए। दुलारे, गुरु की कमान में भी बहुत से तीर बाकी। दानव गुरुदेव। तुलारे कन्या के गले में डाल दो, सौभाग्यवती भव, संजीत रहो। रात भर नींद नहीं है इस पछतावे में कि मैंने क्यों दुखाया तुम्हारा दिल। रामो जी, वो लड़की जो गठड़ी छोड़ गई थी ना, लाना जरा। उसे क्या करेगा बेटी? मां, मैं तुम्हें वो चीज दिखाना चाहता हूँ जिसके वजह से मैं उल्लू बन गया और बिना सोचे समझे उसे अपने साथ ले आया। अच्छा अच्छा, चला दे। लो श्याम बाबू, यह वो चीज। तो मिट्टी है बेटा। ये मिट्टी कोयली ने मेरे पांव के नीचे से उठाई थी। क्यों? मेरी आंखों में झोंकने के लिए। कहने लगी, अब ये मिट्टी मेरी मांग का सिंदूर बनेगी। और माँ, उसने मेरे सामने अपनी मांग में भर ली। मैं तो हैरान हूँ माँ, सीधे साधे लड़कों को फांसने के लिए क्या क्या नाटक करते हैं ये चालाक लड़कियाँ। अरे हाँ बेटा, तू जो शादी रुकवाने गया था उसका क्या हुआ? तूने कुछ बताया ही नहीं। शादी तो होगी थी मेरे जाने से पहले, मैं तो रास्ते में एक ठग के घर रुक गया था ना। ठग? हाँ माँ, बदमाश मुझे दामाद बनाकर घर ले गया, वहीं मिली थी मुझे कोयली। वही होगा मालकन जो कल आया था। कौन कौन आया था कल? उसी लड़की का बाप आकर लगा गरजने और पुलिस की धमकी देने। फिर क्या, 5,000 नकद देकर मुंह बंद करना पड़ा उसका। माँ वो तो ठग था बदमाश, तुमने तो यूं ही बस। यूं ही क्या, तू ले तो आया था उसकी लड़की को। चलो मालकन छोड़ो इस जिक्र को, 5,000 गया चूल्हे में,
आपकी लाखों की इज्जत तो बच गई, अब तो मालूम होगी लड़की और उसके बाप की औकात। मैं कहता हूं मालकिन, अब अगर उन्होंने इस घर में कदम रखा तो मैं उनकी टांगे तोड़ के रखूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। तू पहचानता उस लड़की को? बस एक नजर देखा था दूर से। मैं पूछता हूँ, अगर वो फिर तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान लेगा उसे? बस अब नाम ना ले उस लड़की का मेरे सामने। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ माँ, कहीं उसके धोखे में किसी और की टांगे ना तोड़ दे। क्यों रे, पहचान लेगा उसे? नहीं, किसी को दूर से देखकर भी कोई पहचान सकता है भला, तो डिंग क्यों मार रहा है? ऐसे ही। माँ, मेरे एक दोस्त की चिट्ठी आई थी ना वो लड़की देखने के बारे में। हाँ हाँ, वही खुशबूदार लिफाफे वाली चिट्ठी। चलो मालकन, आज ही चले, झट मंगनी और पट ब्याह। माँ, मैं सोचता हूँ कि हम लोगों के वहां जाने के बजाय लड़कियों को यहाँ क्यों ना बुला लें। ठीक है, तू तो हमेशा उल्टी बात सोचता है, ये कैसे हो सकता है? ये भी ठीक है। माँ, बात यह है कि जब लड़कियों पर से मेरा विश्वास उठ गया, जब तक कम से कम 15-20 दिन लड़की के साथ रहकर अच्छी तरह जांच ना कर लूं, मैं शादी नहीं करूंगा। लड़की वालों के यहाँ बहुत रहे 2 या 4 दिन, इसमें क्या पता चलेगा कि लड़की कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन कमारी लड़की को वो भेजेंगे कैसे? मेरे जिम्मे रहा, तुम कहो तो मैं आज ही 10 बजे की गाड़ी चला जाऊं। उन्होंने लड़की को भेज दिया तो ले आऊंगा, वरना तुम अपनी मर्जी की कोई और लड़की देख लेना। मेरा ख्याल है मालकन, वो लड़की को जरूर भेज देंगे। श्याम बाबू जैसा लड़का और हमारे जैसा घर कहाँ मिलेगा उनको। आजकल लड़की वालों के लिए बड़ी मुसीबत है, अच्छे लड़कों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है बेचारों को। तो मैं फिर जाऊं माँ? अच्छा बेटा, तुम तैयारी करो, तब मैं मंदिर को आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा श्याम बाबू। अरे बुद्धू, माँ जी अकेली रह जाएंगी। बुद्धू? देखो श्याम बाबू, मुझे बहू आने से पहले चाहे बुद्धू कह लो चाहे गधा, मगर बहू आने के बाद अगर मुझे बुद्धू कहा ना तो मैं बिगड़ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, अहमक कहूंगा। अहमक क्या मतलब? ईमानदार, नमक हलाल। ये ठीक है। अंगड़ाया
रामू, अरे रामू, आप आ गए? हाँ, माजी का? माजी तो अभी मंदिर से नहीं लौटी। तो तुम टांग में से सामान उतार कर। अभी लाया। इत्मीनान से, ये तुम्हारा अपना घर है। मेरे लिए। अरे मां जी के सामने ना तुम मुझे बाबू कहना और ना तुम। फिर क्या कहूँ? श्याम जी और आप तो कह दूंगी मगर नाम नहीं दूंगी। क्यों? नाम लेने से क्या होता है? सासू जी को गाली लगती है। तो फिर मां जी के सामने मुझे पुकारोगे कैसे? श्याम बाबू, इनका सामान कहाँ जाएगा? मेरे कमरे में और कहाँ। अच्छी बात है, इनसे पूछिए नाश्ता के साथ क्या पिएंगी। अरे ये सब बाद में पूछ लेना, पहले सामान तो रखा जा। कोई बात नहीं, बहू रानी को देखकर सामान का जरा भी वजन नहीं लग रहा। इनसे मेरी जरा पहचान तो करा दीजिए। अरे अभी तो ये यही है, जा सामान रख दे वरना वजन से तेरी कमर दोहरी हो जाएगी, जा। अच्छी बात है। अरे ये सामान किसका? मेरा शाम आ गया क्या? हाँ मालकिन। हाँ मैं देख, लड़की आ गई क्या? हाँ माँ। उठो, आ मेरे साथ बैठो। तुम्हारे घर वाले सब अच्छे तो है ना? कितने भाई बहन हो तुम? जी जितने भी है ना मैं सबके सब इनके साथ आने को तैयार थे। तो ले क्यों नहीं आया अपने साथ? मैं खुद ही नहीं लाया माँ, हम खा कबाब में हड्डी बने रहते। तो बड़ा शैतान हो गया। सामान रखा है श्याम बाबू, बताइए नाश्ते के साथ? इसका सामान कहाँ रखा? श्याम बाबू के कमरे में मालकन। क्यों? ये मेरे कमरे में सोई। अच्छा माँ, न मेरे कमरे में न तुम्हारे कमरे में, मेरे कमरे के साथ जो कमरा है ना बस उसमें करवा दो इसका इंतजाम। नहीं, मैं पराई लड़की को अकेली नहीं छोड़ूंगी। अकेली कैसे माँ, मैं जो सोता हूँ साथ के कमरे में। मुझे भी अकेले डर लगता है, मैं आपके साथ ही सोऊंगी। जा रामू, इसका सामान मेरे कमरे में रख दे और नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम कर। सफर की वजह से बिल्कुल मुरझा गई। माँ पहले इन्हें नाश्ता वगैरह करवा दो, बाद में नहा लेंगी। मैं बिना नहाए कुछ नहीं खाती, बड़ी अच्छी आदत है बेटी। चल मेरे कमरे में चल, जा तू भी नहा ले। नहीं माँ, मेरा मूड ठीक नहीं। क्यों, क्या हो गया तेरे मूड? किस बात से बिगड़ गया है तेरा मूड? मुझे नहीं पता। मैं सब समझती हूँ, चल दे। बेटी मैं तो तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई, नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम जी कौशल्या है। कौशल्या, बड़ा प्यारा नाम है। मुझे तो आजकल के ये नाम रीटा नीटा पूमी रूमी बिल्कुल पसंद नहीं। आओ बेटी कौशल्या, आओ। मैं जरा ठाकुर जी को भोग लगा कराऊं। ए नहीं। अरे सीधी तरह चलती है, उठा के ले तुम चल। तुम्हें डर लगता है ना मेरे साथ के कमरे में सोते हुए? वो तो मैंने माता जी को खुश करने के लिए कहा था। माँ जी ने तुमसे कोई और पूछताछ तो नहीं की? नहीं, वो डिबिया कहाँ है मैं मांग करूंगी। अरे बाबा कुछ दिन मांग मांग को इसी तरह रहने दो। ना मैं सुहागन हूँ, मांग सुनी क्यों रखू? जल्दी दो, कोई आ ना जाए। ओहो। ये लो जरा सी लगाना जो माँ जी को दिख ना सके। इसे यही रहने दो ना, यही भर लो जल्दी जल्दी। मैं रोज तुम्हारे कमरे में कैसे आ सकूंगी? माँ जी रोज सुबह सुबह मंदिर जाती है, उनके जाते ही तुम मजे से आ सकते। कोई
तुमने मेरे पांव के नीचे से मिट्टी क्या उठाई, मेरे पांव तले से जमीन ही निकाल ली। ऐसा लगता है जैसे हवाओं में उठता फिर रहा हूं, आसमानों में घूम रहा हूं। राम बाबू आया? क्या है? नाश्ता तैयार? अरे तो ऊपर ले आओ, यहीं खा लेते। गुरु बनारसी प्रसाद की आंखों में धूल डालने की कोशिश मत करो। आप मुझ पर खामखा शक कर रहे हैं गुरु जी। ये लंका घर के भेदी की ढाई हुई है दुलारे। सबूत देखना चाहते हो? सबूत ये देखो, पंडित जी की ये माला जोगी की दी हुई है और ये पगड़ी माला की साड़ी से बनाई गई और ये हथौड़ी दुलारे के हथियार खाने से आई। दे चाहता इसे थोड़ी से तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर। गुरुजी, कोयली की मोहब्बत ने आपको पागल कर दिया, इसके सिवाय और मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जा रहा हूं। दुलारे! नहीं नहीं, आपको कोयली चाहिए किसी की जान? हम कोयली की तलाश में जमीन और आसमान एक कर देंगे। हम आपके साथ हैं गुरुजी। लेकिन आज से दुलारे नहीं। नहीं, कोयली मेरी और मेरी ही रहेगी, चाहे मुझे इसके लिए खून की नदियां बहानी पड़े। दुलारे, तुम्हें कोयली चाहिए? हाँ, तुम्हें कोयली मिलेगी। मैं आपस की फूट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इत्तेफाक के लिए हर चीज कुर्बान कर सकता हूं। मैं कोयली की मोहब्बत भी कुर्बान कर सकता हूं। मैं लाऊंगा, मैं कोयली को जरूर लाऊंगा, मगर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाऊंगा। गुरु जी गुरु बनारसी प्रसाद जी की जय। खुली खुली जुल्फों को बांध बिलो, खुली खुली जुल्फों को बांध बिलो, हो जाए ना दुनिया में शाम कहीं। ना देखो कुछ तो बताए जादूगर, जादू क्यों चल जाता है। भोली 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 बातें छोड़ भी दो, भोली 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 बातें छोड़ भी दो, हो जाए ना बात ये आम कहीं। यू ना देखो तुम मुझको, आज नशे में चूर हूँ मैं। जोर नहीं मैं जाने तमन्ना, आदत से मजबूर हूँ मैं। चोरी 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 की ये बात करूँ, चोरी 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 की ये बात करूँ, खुली जुल्फों को बांध बिलो, हो जाए ना दुनिया में शाम कहीं। जान तुम्हारे बस में कर दी, दिल नजराना दे डाला।
जी हम पे ना एहसान करो, जी हम पे ना एहसान करो, हो जाए ना हम नीलाम कहीं। यूं ना देखो ऊंच को, हो जाए ना हम बदनाम गुलाबी जुल्फों के रंगी साए आ दिल कहता है भूलो सब कुछ आदत से मजबूर हूँ मैं। दिल है दीवाना दिल थाम लो, दिल है दीवाना दिल थाम लो, खुली खुली जुल्फों को बांध भी लो, हो जाए ना दुनिया में शाम कहीं। बाबू, अरे क्या बात है? माँ जी सो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? भैरव से डर लग रहा है, कहीं कोई चाल ना चले, हार कर चुप बैठने वाला नहीं। अब अगर उसने कोई शरारत की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, पुलिस तक मामला गया तो सारा भांडा फूट कर रहेगा, माजी को मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। अरे तुमसे नहीं, तुम्हारी इन शराबी आंखों से डर लगता है। तुम्ही ने इन आंखों को शराब पिलाई, तुम्हें उतार सब क्यों ये नशा? मुझे इस नशे से नहीं, तुम्हारी तेज और गरम गरम सांसों से डर लगता है। मेरी सांसों में ये हलचल तुम्ही ने बचाई है, तुम्ही शांत कर सकती हो ये तूफान। मुझे इस तूफान से नहीं, तुम्हारी बेहोशी से डर लगता है। इस बेहोशी की दवा सिवाय तुम्हारे और किसी के पास नहीं? सच बताओ, मुझे माँ जी से डर लगता है। जितना डर पाओगी मैं उतना ही। वो देखो माँ जी। कोयली, अब मैं सुबह आऊंगी। श्याम बाबू, श्याम बाबू, श्याम बाबू, क्या है? रात देर तक जाते रहे क्या? कितना बजे? 7:30। 7:30? माँ जी अभी मंदिर गए कि नहीं? गई हैं। क्यों? वो अभी तक कुशलियत आ गई कि नहीं? अरे वो तो कब की नहा भी चुकी, हाल कमरे में बैठी चाय पी रही। मेरा एक काम करेगा? नहीं, मैं नाराज हूँ तुमसे। अरे क्यों? मैंने तुम्हें साफ मना किया था बहू रानी आने के बाद मुझे बुद्धू ना कहना, लेकिन कल फिर तुमने मुझे बुद्धू कह दिया उनके सामने। अच्छा बाबा, भूलोगी, अब तुझे बुद्धू नहीं अहमद कहूंगा बस। ठीक है, अब बताओ काम। मेरे लिए एक सेर शेरनी का दूध ले आओ। शेरनी का दूध? मेरे अहमक यानी नमक हलाल होने का यही बदला दे रहे हो मुझे? क्यों? शेरनी मुझे चीर फाड़ कर खत्म कर दे, यही चाहते हो ना तुम? अरे नहीं, सर्कस की शेरनी के दांत नहीं होते। सर्कस के माले से कहना, वो तुम्हें दूध दिलवा देगा। सर्कस? सर्कस तो बहुत दूर है, मुझे देर हो जाएगी आने जाने में। तो कोई बात नहीं, तेरे आने तक कौशल्या नाश्ता बना लेगी, तेरी बड़ी तारीफ करती। अच्छा, क्या कह रही थी? यही के रामू बड़ा ईमानदार और नेक आदमी है। लड़की मुझे भी बहुत पसंद है, इसी से शादी कर दो श्याम बाबू। अच्छी बात है बाबा, अब मैं तेरी सिफारिश तो टाल नहीं सकता। रामू कभी किसी की गलत सिफारिश नहीं करता। अरे तो बैठ क्यों गया, जल्दी जा शेरनी का दूध लेके आ, नहीं तो बिक ना जाए। मैं अभी गया और अभी आया। ए
ए लड़की। बाबू। खबरदार जो मुझे बाबू कहा। मैं बाबू नहीं, मां हूं उसकी। मेरी हंसी उड़ाती है मूर्ख, जानती नहीं मैं कौन हूं? जानती हूं, तुम मेरे बाबू। मुझसे दूर हट छोकरी, इस वक्त मेरे जिस्म में तेरे बाबू की नहीं कल्याणी की रूह बोल रही है। कल्याणी कौन? तेरे बाबू की माँ, जिसे कौशल्या बनकर तू धोखा दे रही है। आस्था बोलो बाबू, कोई सुन लेगा? अरे बावली लड़की, मैं सब जान गई। तूने मेरे भोले भाले बेटे को पागल बना दिया। निकल जा मेरे घर से, छोड़ दे मेरे बेटे का ख्याल। भगवान के लिए मजाक छोड़ो बाबू, मुझे डर लगता है। तो मैं क्या करूं, तुम्हें तो हर वक्त डर लगता है, दिन को भी और रात को भी। मेरा बेटा और किससे प्यार करे? मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया है बाबू, मुझे और न सताओ। तुझ जैसी कमजोर दिल की मेरे शेर दिल बेटे को कोई जरूरत नहीं। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी, चल निकल बाहर। बाबू। सुना नहीं तुमने, मैं कल्याणी हूं। तेरे बाबू की आत्मा तो खत्म हो गई, रात भर तड़पती रही, सुबह तक तेरे वादे के मुताबिक जीती रही। तूने वादा किया था कि सुबह आऊंगी? बाबू। तुमने अपना वादा तोड़ दिया, मेरे बेटे की आत्मा ने अपना दम। क्या इसीलिए लाया था तुम्हें मेरा लाल? बाबू तुम कहीं सचमुच तो पागल नहीं हो गए? अगर तुम मेरे बेटे के पास रहकर भी दूर दूर रही तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। बाबू मुझसे फिर ना करना ये शरारत। सुबह क्यों नहीं आई मेरे कमरे में? चलो अब चलती हूँ। चलो। ये क्या सांग बना रखा है? इधर आ। क्या तो मेरी नकल उतार रहा था? नहीं मां नहीं। कौशल्या तू बता, मैं देखती हूँ तू सच बोलती है या झूठ। जी ये आपका स्वांग बनकर मुझे घर से निकलने के लिए कह रहे हैं। क्यों रे? घर से निकालने का इतना ही चाव था तो फिर ले क्यों आया? नहीं माँ, मैं तो इनकी आदत देख रहा था कि नहीं ये मजाक पसंद है कि नहीं। वाह ये भी कोई मजाक है? बेटी तुझे इसकी शैतानी बुरी तो नहीं लगी? कितनी मीठी जबान है। लेकिन माँ अभी तो इनको आए हुए दूसरा ही दिन है, इतनी देर में मीठी या कड़वी का कैसे पता चल सकता है? पहचानने वाले एक नजर में पहचान लेते हैं। जी माँ मुझे तो पसंद है लड़की, तू करता रहे पड़ताल। आ बेटी तुझे अपने ठाकुरों के दर्शन कराओ। सुन सुन मेरे भाई, ये रुपया आना पाई सब माया है पराई, कभी गई कभी आई मोह माया। छोड़ दे ओ बेटा छोड़ दे ये माया, ये माया छोड़ दे। सुन सुन मेरे भाई, ये रुपया आना पाई सब माया है पराई, कभी गई कभी आई मोह माया। छोड़ दे ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे। जब दुनिया से जाना संग जाएगा ना आना, ये तो माल है बेगाना, जो भी है देखे जाना मोह माया। छोड़ दे ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे। कह गए दास कबीरा दुनिया एक मुसाफिर खाना, क्यों भाई हाँ किसी मुसाफिर खाने से फिर काहे प्यार बढ़ाना, क्यों भाई हाँ ओ बंदे ऊपर वाले से तू नाता जोड़ ले, ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे। सुन सुन मेरे भाई, ये रुपया आना पाई सब माया है पराई, कभी गई कभी आई मोह माया। छोड़ दे ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे।
ये माया है ठगने भैया लूटे देश प्रदेश क्यों भई हाँ क्या क्या रूप दिखाए छलनी बदले सौ सौ भेस क्यों भई हाँ ओ तू इस ठगनी जादूगरनी से मुंह मोड़ ले ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे सुन सुन मेरे भाई ये रुपया आना पाई सब माया है पराई कभी गई कभी आई मोह माया छोड़ दे ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे ये दुनिया एक भूल भुलैया ये जग गोरख धंधा क्यों भई हाँ हर रास्ते पे जाल बिछा है कदम कदम पे फंदा क्यों भई हाँ अरे बस तू राम भरोसे अपनी नैया छोड़ दे ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे सुन सुन मेरे भाई ये रुपया आना पाई सब माया है पराई कभी गई कभी आई मोह माया छोड़ दे ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे जब दुनिया से जाना संग जाएगा ना आना ये तो माल है बेगाना जो भी है देखे जाना मोह माया छोड़ दे ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे सुनो जानते हो कौन गा रहा है नहीं भैरव और उसके साथी नहीं नहीं साधुओं के भेष में मैंने अच्छी तरह पहचान लिया है उन्हें शक तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ हूँ जरूर होगा तुम गलती से भी उतरना चाहते अगर वो अंदर चले आए तो अंदर आने की हिम्मत होती तो गली में धुनी रमा कर ना बैठते कोई ना कोई चोर उनके दिल में भी जरूर होगा वरना तुम्हारी तलाश में पुलिस की इमदाद ना लेते मेरे तो पांव तले से जमीन निकली जाती है घबराओ नहीं वरना माँ जी को शक हो जाएगा अच्छा उल्लू बनाया मुझे श्याम बाबू सर्कस वाले मुझे पागल समझकर पागल खाने भेज रहे थे अरे कहाँ चला गया था तू अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं है अपने लाडले से पूछो मालकिन जिसने इतनी दूर सर्कस में मुझे बेकार भेज दिया था सर्कस हाँ मालकिन शेरनी का दूध लाने के लिए नहीं माँ ये तो ऐसे बकता है बुद्धू देखो श्याम बाबू तुमने फिर मुझे बुद्धू कहा अच्छा अच्छा जा अपना काम कर कौशल्य को भूख लगी होगी जाता हूँ मालकिन मगर पहले इससे ये पूछो कि इसने मुझे सर्कस भेजा क्यों था मैम मैंने तो इसे ये देखने के लिए भेजा था कि अभी सर्कस है या चली गई अगर हो तो कौशल्य को सर्कस दिखलाऊं झूठ बिल्कुल झूठ अरे भाई पहले ये तो बता सर्कस है या चली गई सर्कस तो है हाथी घोड़े चीते शेर सभी कुछ है मालकिन मगर शेरनी का दूध नहीं है अच्छा अच्छा कौशल्य तूने सर्कस तो कई बार देखी होगी बेटी जी नहीं एक बार भी नहीं नहीं तो चल आज मैं तुझे दिखाता नहीं नहीं माँ ये कहाँ जाएंगी नहीं नहीं क्या चलेगी ना बेटी जी जैसा आप कहें मुझे तो ऐसे ही आज्ञाकारी बहू की जरूरत थी लेकिन माँ जिसने पहले कभी सर्कस ना देखी हो वो डर जाता है बीमार हो जाता डर से मेरे साथ जाने से डर जाएगी बीमार हो जाएगी और तेरे साथ जाने से लेकिन माँ मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इन्हें अरे वाह मुझे भी बेवकूफ बनाता है अभी तो कह रहा था कि कौशल्य को साथ लेकर सर्कस देखने जाऊंगा चलो माँ अभी तो सारा दिन पड़ा है बाद में देख लेंगे क्या प्रोग्राम बनता है मैं नहा लूं क्या बात है बेटी तू तो इतनी घबराई हुई से क्यों है जी नहीं तो क्या चेहरा कितना उतरा सा लग रहा है चल जरा आराम कर ओहो जोगी बेटा हाँ महाराज कलयुग आ गया बेटा घोर कलयुग आ गया सच है महाराज भोर से सांझ भई मगर इस गली वालों ने पूछा तक नहीं कि भगवान के भक्तों जलपान भी करोगे या भूखे ही मरोगे सच है महाराज अभी सच है महाराज के बच्चे सारा दिन माया के गीत गाता रहा किसी की माया खींचनी भी तो चाहिए थी इडियट मुंह छलगा के बैठ गया गुरुजी क्या है अगर आज्ञा हो तो मैं अंदर जाकर कोयली को देखा खबरदार मेरा मतलब यह दुलारे नाथ तू उस बुढ़िया को नहीं जानता बड़ी गर्म तबीयत की है कहीं उसने दाढ़ी नोच ली तो अपनी तबीयत सर्द हो जाएगी हाँ तो चलो सुबह आके बैठेंगे गुरुजी कोयली अवश्य घर में मोर्चा छोड़कर जाना ठीक नहीं दुलारे नाथ
जब तक देखूं ना अपने नैनी, किसी की मानूं हरगिज ना कहनी। कोयली को अंदर जाते देखा नहीं तो क्या मालूम वो अंदर है या बाहर है। गुरुजी मुझे भी भूख लगी है। हाँ बेटा अपने पेट का भी प्रातः काल होने वाला है, चलो दुलारे। गुरुजी आप खाना खा रही, हम तो यहीं बैठते हैं। तो बेटा फिर हम भी यहीं बैठते हैं। एकता में संगठन है और संगठन में इत्तेफाक है, इसलिए गुरु दोखम धाम जी धर्म से धड़े को ज्यादा अच्छा समझते हैं। शम शंभू बाबू, तुम सर्कस जाने को सचमुच तैयार होगी? हाँ, माँ जी की बात टालने की मुझ में हिम्मत नहीं। मगर वो बदमाश अभी बाहर ही बैठे, तुम्हारा बाहर जाने में खतरा ही खतरा है। माँ जी भी जाने के लिए साड़ी बदल रही हैं। मैं तुमसे यही कहने खिसक आई, उन्हें रोको किसी तरह। कोई बहाना सूझे तब ना, साफ तो उनसे कह नहीं सकता कि तुम कह दो ना उनसे कि तुम्हारी तबीयत खराब है, सर में दर्द है। दीनी को कह देती तो ठीक था, अब तो अच्छी भली उनके सामने तैयार हुई हूँ। मुझे भी डर है कहीं ज्यादा बहस से माँ जी को शक ना हो जाए कि मैं तुम्हें जाने से क्यों रोक रहा हूँ। फिर क्या करें? अभी अभी मैंने सुना भूख का रोना रो रहे थे, रामू को भेजता हूँ उन्हें मिठाई खिलाने किसी हलवाई की दुकान पे ले जाए, अभी तो शो में काफी टाइम है। मगर वो साफ समझ जाएंगे कि उन्हें हटाने के लिए चाल है। देखते हैं, अगर ये तरकीब ना चली तो अपनी तबीयत का बहाना बना लूंगा कि पेट में सख्त। नहीं भगवान न करे, और कोई सूरत नहीं। तुम चलो, मैं रामू को समझा के भेजता हूँ। चलिए महाराज मेरे साथ। कहाँ बच्चा? हलवाई की दुकान पर महाराज। हलवाई? क्यों बच्चा? आपकी पेट पूजा करा दूं महाराज। तुम्हारे मालिक। धीरज बेटा, गुरु के होते हुए छिछके बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तुम्हें किसने भेजा है बच्चा? श्याम बाबू ने महाराज। श्याम बाबू? जी हाँ, बड़े दयालु है। समझा, श्याम बाबू बड़े दयालु है ना, तो बच्चा फिर वो खुद चलकर महाराज के चरणों में क्यों नहीं आए? उन्हें जल्दी है महाराज, वो सर्कस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सर्कस? वही जहाँ घोड़े गधे कुत्ते आदमी मिलकर खेल तमाशा करते हैं। जी हाँ महाराज, हम सभी जा रहे हैं। सभी? हम तो नहीं जा रहे हैं बच्चा, फिर हम सभी कैसे जा रहे हैं? नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब है मैं, मालकन, श्याम बाबू और उनकी होने वाली बहू। बेटा हम लोग त्यागी हैं ना, संसारी नहीं। सिर्फ इसलिए पूछता हूँ कि होने वाली का अर्थात है जो कि अभी नहीं हुई, वो जो नहीं हुई तो फिर वो इस घर में कैसे आ गई बच्चा? महाराज मालकन को पसंद कराने लाए हैं श्याम बाबू। अच्छा, तो मालकन को लड़की पसंद आ गई बच्चा? जी बहुत, मुझे भी पसंद है। क्या? ये सुनकर तो महाराज बहुत पसंद हुए बच्चा। जाओ मौज करो, मौज करो बच्चा। भाई की दुकान पर तो चल रहे हैं ना? नहीं बच्चा, हमको तो जलपान किए भी हजारों वर्ष हो गए हैं। बच्चा तेरे से बात करने की लहर आ गई है, तेरी किस्मत खुल गई बच्चा। हमारा क्या, हम तो रमते जो भी है, आज यहाँ कल वहाँ। तू जा बच्चा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। अबे चलो के पुत्र। परंतु गुरुजी। अबे परंतु परंतु क्या, इतना तो पता चल गया है कि छोकरी घर में है, बाकी चाल अपने घर में चल के सोच लेंगे। बोल श्री गुरु दोखम धाम की जय। श्याम बाबू वो साधु तुम्हारा त्यागी है। क्यों, वो गए नहीं तुम्हारे साथ? नहीं, उनको तो जल पान किए वर्षों गुजर गए, वो तो कुछ खाते पीते ही नहीं। तो क्या अभी वो यहीं बैठे? रमते जोगी हैं, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह नहीं टिकते, यहाँ से डेरा कूच कर गए। कूच कर गए, बहुत अच्छे। अरे तू जल्दी जाके गाड़ी निकाल, मैं कपड़े बदल के अभी आया। अच्छी बात है। एक मासूम लड़की की जान खतरे में है, आप जल्दी कीजिए। बनारसी प्रसाद और उसके साथी सर्कस के जोकरों का भेस बदल कर निकले हैं। कौन है ये लोग? ठगबाजी का धंधा करते हैं, मैं भी उनके साथ थी, लेकिन आज से तौबा करती हूँ। और वो मासूम लड़की? रास्ते में सब बता दूंगी, आप जल्दी चलिए, वरना देर हो जाएगी। चलिए। Thank you.
वहाँ आज तीन शेर भाग रहे हैं कि इसी इलाके में घूम रहे हैं, आगे मत चला भाई। हाँ जी, मैंने कहा सर्कस से आज तीन शेर भाग गए हैं, इसी इलाके में घूम रहे हैं, आगे मत जाइएगा। और दुलारे आओ। Ah!
दिन तो दिल की तबाही का दिन था कि जिस दिन पड़ी थी बिनाए मोहब्बत। गुरुजी, आपको तो जेल में भी शेर और शायरी सूझेगी। गुरुजी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 3 बरस इस काल कोठरी में कटेंगे कैसे। बेटा दुलारे और मेरे बेटा जोगी, 3 बरस कैसे कटेंगे? बस समझ लो कि हो गया ठंडा कलेजा, बुझ गई दिल की लगी, शमा के दामन से लिपटा रह गया परवाना आज। दुलारे। गुरुजी। बेटा, बेटा जोगी। गुरुजी, आशीर्वाद लो बेटा। हे ईश्वर। हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ पाक बही।